हेलो स्पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की क्लास है एनसीईआरटी रीडिंग की और अपन चैप्टर जो करने वाले हैं वो है जनन स्वास्थ्य। ठीक बात है, एक ही लेक्चर में इस चैप्टर को पूरे को खत्म करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, और अपन एनसीईआरटी को पूरे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है, आपने मानव जनन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है अपन एनसीईआरटी रीडिंग किस हिसाब से अपन करते हैं। ठीक, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इसके जो नोट्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ऐप पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको और टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आए तो वहां पर चैट का ऑप्शन, चैट पर मैसेज कर देना। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। चलो भाई, जनन स्वास्थ्य जो है क्या है, किसको कहेंगे अपन स्वस्थ व्यक्ति, किसको स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे अपन? भैया जिसके कोई बीमारी ना उसको स्वस्थ कह दो। नहीं जी, WHO जानते हो, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उस WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जाता है वो सुनो भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब क्या है, WHO विश्व वर्ल्ड, ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो उसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में WHO फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या, उसके अनुसार क्या है जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है उसके अकॉर्डिंग, कि भैया ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। भाई किसी को कोई बीमारी नहीं है उसको स्वस्थ कह दो? नहीं जी, सिर्फ बीमारी देख के अपन उसका स्वास्थ्य देख के उसको स्वस्थ नहीं कह सकते, उसका शारीरिक जो है शरीर देख के उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। भाई बढ़िया लंबा चौड़ा है, ठीक है, बढ़िया स्वस्थ दिखने में तो स्वस्थ है, लेकिन उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है तो क्या स्वस्थ है वो? नहीं जी, वो स्वस्थ नहीं है। सामाजिक नहीं है, घुलता मिलता नहीं है लोगों से, तो क्या स्वस्थ है? नहीं, वो स्वस्थ नहीं है। उसको अपन उसको जनन रूप से वो स्वस्थ नहीं कहता कौन, WHO उसको। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हों उसको अपन स्वस्थ मानेंगे, और आज के टाइम पर ये सारे गुण किसी के अंदर नहीं है। ठीक है भाई, कोई शारीरिक व्यक्ति, कोई शारीरिक रूप से फिट है, अगर फिजिकल रूप से फिट है तो उसका भावनात्मक रूप से इमोशनली वो खराब हुआ पड़ा है, दिमाग खराब है उसका, ठीक है, डिप्रेशन में है। अगर ये मान लो शारीरिक रूप से ठीक है, दिमाग भी उसका ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है, फिर ठीक है, व्यवहारात्मक रूप से वो सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अगर मान लो व्यवहारात्मक रूप से भी वो ठीक है तो फिर वो सामाजिक नहीं है, ठीक है, लोगों से घुलता मिलता नहीं है। तो मतलब ये सारे गुण जो है, ये सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति है वो होना चाहिए, उसको अपन क्या कहेंगे, जनन रूप से स्वस्थ कहेंगे। तो ये किसके अनुसार है, WHO के अनुसार, पता लग गई ये बात, ये इंट्रोडक्शन में पार्ट में लिख रही है एनसीईआरटी में बातें, अभी एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा, पहले समझो ना। एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन एक योजना स्टार्ट हुई थी जिसको आजकल क्या नाम दिया गया है, परिवार कल्याण योजना, ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ ये, इसकी डेट आ सकती है, इसकी डेट नहीं, ईयर आ सकती है कि कौन से साल में ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, वो 1951 में शुरू हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, है ना, सुने होंगे तो दीवारों पर लिखे हुए देखे होंगे। चलो अब यहां तक इसकी एक बार एनसीईआरटी को रीड मार लेते हैं। आ जाओ, क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ गया है, मानव जनन के अंदर पढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारियों के बारे में पढ़ा, ठीक बात है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपने पढ़ा है। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमें जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं, यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारियों, ठीक है, प्रकार वाला नहीं, पर कार्यों मतलब उसके फंक्शंस, ठीक है, से संबंधित है। वस्तुतः है वह यह एक व्यापक प्रति प्रशय है, प्री प्रशय को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए होते हैं। अभी बताया मैंने आपको भावनात्मक सामाजिक, ठीक है, अभी देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग ही बताया गया ये, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें WHO के अकॉर्डिंग, ये मैंने भी आपको बताई। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोग जनन अंग रूप से तो वो स्वस्थ हैं ही, ठीक है, शारीरिक रूप से तो वो स्वस्थ हैं ही, उनके फंक्शंस भी बढ़िया सही से काम कर रहे हो, भाई
रिप्रोडक्टिव रूप से तो वो स्वस्थ होने ही चाहिए, उसके अलावा भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होने चाहिए। भावनात्मक, व्यवहारात्मक और पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, ठीक है आइए जांच करें। अभी इस चैप्टर में अपन पूरे आगे पढ़ने वाले कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे ना। आ जाओ जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्य नीति की बात करेंगे, है ना। चलो, विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था, पूरे विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। पूरे विश्व में भारत ऐसा देश था जिसने कि भाई समाज के अंदर जनन रूप से लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, जनन स्वास्थ्य को लेकर जो समाज है वो कैसा रहे, जनन स्वस्थ रहे, इसलिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ योजनाएं चलाई, कुछ कार्यक्रम जो है वो चलाए, ठीक। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन नाम दिया गया, जिसको अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। पहले परिवार नियोजन के नाम से स्टार्ट हुआ था, आजकल इसको परिवार कल्याण बोलते हैं। और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, ये वाली डेट आपको याद रखनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951, परिवार नियोजन याद रखना है, परिवार कल्याण से भी आपको याद रखना है, इंग्लिश वाला नाम भी याद रख लेना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। चलो, पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया, ठीक है, मतलब हर 10 साल से मान लो कि, है ना, पिछले दशकों में इस जो ये योजना चल रही है इसका क्या है, जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम जो चल रहा है, इसका क्या किया, मूल्यांकन भी करते हैं कि भैया इससे कुछ फायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, कितना इसका इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। चलो, तो पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है, जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये RCH प्रोग्राम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप जनन रूप से आप अपना रिप्रोडक्शन जो है उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे की केयर कैसे करनी है, वो सारी चीजें इसमें इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम नाम है इसका, शॉर्ट में इसको RCH कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या है RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आगे बताऊंगा भी, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जननी संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता की जाती है, ठीक है, और पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों को अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ठीक है, और कुछ प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में, इंसेंटिव दिए जाते हैं, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में ना। श्रव्य तथा दृश्य ऑडियो और विजुअल, ठीक है, ऑडियो और विजुअल मतलब पहले तो मतलब जो FM वगैरह जो रेडियो है, ठीक है, उस पे, और जो TV आप YouTube पे देखते हो, TV में देखते हो, इन पे एड्स आते हैं, ठीक है। तो ऑडियो और विजुअल तथा मुद्रित सामग्री जो आपके अखबार वगैरह हो गए, मैगजीन्स हो गई, इनमें, ठीक है, मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियो हो गए, विजुअल हो गए, ऑडियो विजुअल आपको सबको पता है, चाहे आप वाले जो सुनने वाले हैं, ठीक है, स्पॉटिफाई वगैरह ये सामान मान लो, FM नहीं जानते, FM तो जानते, ठीक है। उसके अलावा आपका जो YouTube पे एड्स आते हैं बीच में, उसके अलावा आपका जो TV में एड्स आते हैं, तो यहाँ पर एड्स आपने देखे होंगे ना, इस प्रकार के जो है गवर्नमेंट के एड्स भी आते हैं जहां पर इन बातों के लिए जागरूक किया जाता है। उसके अलावा जो है बसों पर आपने देखा होगा, रोडवेज बसों पर, वहां पर खूब एड्स चिपके होते हैं उन बसों पे, है ना, तो वहां पर भी इसके बारे में जागरूकता जो है वो दी जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं, अखबारों में इसके एड्स आते हैं, ठीक है, और मैगजीन्स वगैरह में एड्स आते हैं इनके। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों को भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो इसमें जो है सिर्फ ये अपन एड्स दिखा दिए, ठीक है, ये सारे जो है विज्ञापन, इनसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनसे काम नहीं होगा, मतलब ये जरूरी है, लेकिन इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बातें करनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा उनके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो मतलब अच्छे फ्रेंड्स की बात करो ना, और जो स्कूल में जो टीचर्स हैं,
ठीक है, उनको भी बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन जो है उनको देनी चाहिए, ताकि जो मिथ्स होते हैं ना, जो भ्रांतियां फैली हुई होती हैं, वो जो है वो खत्म हो सके। ठीक है, बच्चों को सारी जो बातें हैं वो सही जानकारी उनको मिल सके। लेकिन स्कूलों में होता है दिक्कत ये है ना, आठवीं क्लास में भी चैप्टर आ जाता है रिप्रोडक्शन वाला ना, लेकिन टीचर क्या है उसको स्किप मार देता है ना, उसको पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, आपके साथ में हुआ होगा ये, है ना, आठवीं में आता है दसवीं में आता है, पढ़ाते ही नहीं, उसको स्किप कर देते हैं, पढ़ाते हैं तो उसको रीडिंग रीडिंग मार के खत्म कर दिया ना, उनको भी जल्दी रहती है। तो मतलब ये जो है इसको सही से नहीं तो ना तो पढ़ाया जाता है, और बच्चे भी इसको पढ़ने के रूप में ऐसा इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है ना, मतलब पढ़ने के रूप में इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते, नॉलेज के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते ना। चलो, तो इसमें जो है पेरेंट्स फैमिलीज जो हैं, उनके घर वाले गार्जियंस और जो स्कूल में टीचर्स जो हैं उनको भी इसमें अपना रोल जो है वो निभाना चाहिए, अपनी भूमिका जो है वो अदा करनी चाहिए। उसके अलावा जो है स्कूल में जो है सेक्स एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर रूप से बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें कोई जो गलत जो मिथ्स हैं उनके दिमाग में वो ना रहें। ठीक, चलो आगे चल पड़ते हैं। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे हैं जो अभी टीन एज में है, ठीक है, जो अभी किशोरावस्था में, उनको ये सारी जो बातें हैं वो बतानी चाहिए, उनको जो है प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो स्वच्छ यौन संबंधित जो है क्रियाएं वो कर सकें। ठीक है, और कोई मतलब गलत स्टेप ना लें, क्योंकि आप सबको पता है कि मिथ्स जो हैं वो बहुत सारे फैले हुए होते हैं। आपके जो दोस्त हैं वो भी आपकी एज से, आपकी एज के हैं, क्योंकि सारे प्रॉपर जो बातें हैं वो उनको नहीं पता होती, और वो कहीं ना कहीं से कुछ बातें यहां से पता लग गई, कुछ बातें यहां से पता लग गई, और वो जो है आपस में मिल बांट के वो बातें जो है, आधी बातें ये लेके आया, आधी बातें ये लेके आया, दोनों ने आपस में शेयर करी और कुछ तीसरा ही मतलब उसका निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपस में जो है बच्चे वो बातें करते हैं, तो इसलिए जो प्रॉपर एजुकेशन जो है उनको देनी चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि हाँ कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन सम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, ठीक है, उनको क्या है एजुकेट करना चाहिए। ऐसे लोग जो शादी करने वाली एज में आ चुके हैं या फिर उनकी शादी हो चुकी है, उनको क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। किसको एजुकेट करना चाहिए, वापस सुनो, ऐसे व्यक्ति, पहले तो अपने स्कूल वाले बच्चों की बात कर ली भाई, जो 13 से लेके 18 के बीच में उनकी बात कर ली, अब बात कर रहे हैं कि जो शादी वाली एज में आ गए उनको एजुकेट करो, क्योंकि कल को शादी होगी और फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, तो उनको एजुकेट करो। उसके अलावा जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनको भी एजुकेट करो। ठीक है, चलो किस लिए एजुकेट करना वो भी देखो। विशेष रूप से जनन सम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती महिलाओं की माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान का महत्व, लड़का या लड़की को सम्मान महत्व एवं सम्मान अवसर देने की जानकारियां आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है एनसीईआरटी, ये कहती है कि जो अभी जो नई एज में है, जो शादी करने वाले एज में आ गए या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, उनको एजुकेट करना चाहिए। किस लिए एजुकेट करना चाहिए, कि भैया ये मेथड्स अवेलेबल हैं, इनसे आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। ठीक है, जनसंख्या नहीं बढ़े, देखो जनसंख्या बढ़ने का मतलब सीधी सी बात है ना, अपन वो नहीं कि भाई देश में जनसंख्या, परिवार के स्तर पर ही सोच लो एक बार, है ना, देश तो बाद में आएगा, पहले परिवार, परिवार के बारे में सोच लो, देश के बारे में अपने आप जो है बातें सही हो जाएंगी। तो भाई एक तो किसी के भाई 10-15 बच्चे हों, ठीक है, पुराने टाइम में होते थे ना 10-15 बच्चे हों, तो वो क्या लिमिटेड इनकम में उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फीस जो आप सबको पता है कितनी महंगी महंगी फीस होती है, तो उन सबको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर उनका जो केयर है वो नहीं मिल पाएगी। वहीं दो बच्चों, एक भाई पेरेंट्स उनके 15 बच्चे हैं, एक कहीं किसी दो बच्चे हैं, तो ज्यादा बढ़िया केयर किसकी होगी, दो बच्चों की होगी। तो इसलिए जो है बच्चे जो है कम रखने चाहिए, इसके लिए उनको बताना भी पड़ता है कि भैया ये आपके पास तरीके हैं, इनसे आप जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। तो ये इसलिए एजुकेट करना चाहिए। इसके लिए कौन है, जो गांवों के लेवल पे होती हैं, एनएम वगैरह होती हैं, आशाएं होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, ये जो है एजुकेट करती हैं। इनको घर घर जाना होता है, किस कहाँ जाना होता है, जिनमें जो नई यंग जनरेशन है, जहाँ पर नई शादी हुई है, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें बतानी होती है। चलो, और अगर कोई गर्भवती महिला है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है ना, लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद में उसकी कैसे देखभाल करनी है,
प्रेगनेंसी के बाद में कैसे 9 महीने कैसे देखभाल करनी होती है ना, ऐसा नहीं कि भाई 9 महीने वो काम कर रही है खेतों में, काम में लगी हुई है, ठीक है, तो ये नहीं करना होता ना, किस प्रकार से देखभाल करनी होती है और मतलब काम भी करना चाहिए, शनि आराम भी कर रही है, तो वो सारी चीजें कौन बताएगा, वो सारी चीजें उनको बतानी होती है, एजुकेट करना होता है उनको, ठीक बात है। बच्चा हो गया है उसके बाद में उसको स्तनपान कराना है, ठीक है, बच्चे को स्तनपान नहीं कराओगे, जो पहला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कोलेस्ट्रम जो होता है, पहला जो दूध होता है, पहला मिल्क जो होता है, उसको पिलाना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, तो ये सारी बातें बताई जाती है ना इसमें। चलो, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में सोचें, आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और बताना भूल गए, यहाँ पे लिखी हुई थी, हाँ, कि लड़का लड़की हो जाए किसी को, भाई लड़का लड़की वाले भी तो अब तो कम हो गया, लेकिन पहले होता था ना कि लड़कियां पहले लिंग जांच कर लेते थे, उसके बाद में लड़की को अबोर्ट करा देते थे। तो अब उनको ये बताना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में के लिए दोनों के लिए बराबर अवसर हैं, समान अवसर मिलते हैं दोनों को, और लड़कियां आजकल ठीक ठाक ही बढ़िया ही पढ़ती हैं लड़कों से, ठीक है, तो इस प्रकार से बताना चाहिए। चलो, और उसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो यौन संबंधी अपराध हैं, गुड टच बैड टच, आपने कुछ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपने देखा होगा कुछ वीडियोज वायरल हुई थी कुछ टीचर्स की, जो फीमेल टीचर्स हैं वो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनको सिखा रही थी कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है ना, तो वो गुड टच बैड टच जो है वो स्कूल्स में सिखाना चाहिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए, ताकि जो यौन संबंधी जो अपराध हैं वो रुक सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों उनको पता ही नहीं होता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो स्कूल्स में बतानी चाहिए। तो यहां पर वो बात आ गई कि यौन संबंधी जो अपराध हैं उनके बारे में भी जागरूक करना चाहिए, ठीक है, एजुकेट करना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, इससे क्या होगा, जो जनन रूप से स्वस्थ समाज जो है उसका निर्माण होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य, ये जो बातें हैं आप सबको पता है ये सारी बातें, तो इस चैप्टर को नीट के अंदर तो क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइफ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, आगे जो बातें आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, ठीक है, पूरी जिंदगी काम आएंगी। जन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, महावारी, ठीक है, संबंधी समस्याओं, बंधेता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो देखो भाई, ये सारी चीजें लोगों को देखो सबको जागरूक करना चाहिए, किसके प्रेगनेंसी के बारे में, किसी को अबोर्शन के बारे में, ठीक है, उसके अलावा गर्भपात क्या होता है, अबोर्शन है ना, यौन संचालित रोग जो STDs हैं जिसमें एड्स वगैरह ये आती हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सारी चीजें आती है ना, तो इनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में भी लोगों को प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, ताकि उनको पता रहे ना, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर चलती है, बिल्कुल इरेगुलर चलती है फीमेल्स के अंदर, है ना, कि भाई कोई ऐसी फीमेल जिसके अंदर 28-29 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है वो बहुत ही भाग्यशाली है, ठीक है, बाकी जो है फीमेल्स के अंदर 99.9% जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल उल्टी सीधी चलती है, किसी के अंदर 40 दिन की चल रही है, किसी के अंदर 35 दिन की चल रही है, किसी की ज्यादा हेल्थ खराब है तो उसके अंदर कोई महीने 2 महीने से आ रही है, तो इस प्रकार से जो है खराबी सिस्टम रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा जो है डिले हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिले हो रही है तो जाके दिखाओ डॉक्टर को, कुछ समस्या है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इन संबंधी समस्याओं जैसे बंधेता, किसी के इनफर्टाइल कोई कपल है तो इसके बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता इनफर्टाइल में क्या जागरूकता, भाई किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो आप सबको पता है कि जब बच्चे किसी के पैदा नहीं होते कपल में तो जो ब्लेम है, जो ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को किया जाता है कि भाई इसी में कोई कमी है, इसलिए मारा छोरा में तो कोई कमी नहीं है ना, इसमें कमी है तो इसलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लड़के में ही कुछ ना कुछ होता है, इस वजह से जो बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन इसके लिए ये नहीं होता कि भाई बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो क्या करें, क्या करें, क्या डॉक्टर को दिखाओ, इलाज है आजकल, सारे इलाज है, IVF आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो ये तो सारा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है, अभी इन सारी चीजों को अपन डिटेल में आगे करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। समय समय पर बेहतर तकनीकों एवं नई कार्य नीतियों के क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकता है, ताकि लोगों के लिए सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए, अब चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये बोल रहा है कि टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजी जो है उसको इंप्रूव करना चाहिए, और
टेक्नोलॉजी तो आ जाती है लेकिन गांवों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती है। देखो ज्यादा जनरेशन कहाँ पे है, ज्यादा लोग कहाँ पे हैं, गांवों में ही है आजकल, ठीक है। तो जो पीएचसी जो नीचे के जो लेवल के जो गांवों में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां तक अगर सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो फिर कोई मतलब नहीं है इसी योजनाओं का, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, वहां तक जो है वो डॉक्टर्स पहुंचने चाहिए, जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं वो पहुंचनी चाहिए वहां तक, और वो प्रॉपर काम करें इसका भी जो है देखना पड़ेगा जो अथॉरिटी है उनको, ठीक है, ताकि जो है समाज जो है स्वस्थ समाज जो है उसका निर्माण हो सके। चलो, मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक उल्भवेदन एक टेक्निक होती है उसके बारे में पहले बात करते हैं डिटेल में, फिर अपन आगे एनसीईआरटी पे आते हैं। उल्भवेदन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? देखो, भ्रूण है गर्भ में है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में गए और जो डॉक्टर वो क्या करता है, इंजेक्शन में जो है भ्रूण के आसपास जो द्रव भरा हुआ होता है ना, भ्रूण के आसपास जो द्रव भरा हुआ होता है उसको इंजेक्शन से बाहर निकालता है, निकाल लिया बाहर, उसके बाद में उस जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस द्रव के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है उनको, उनको एनालाइज करके पता लगाया जाता है कि ये जो बच्चा बन रहा है इसके अंदर कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है, इसके अंदर कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अभी कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, ऐसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है पहले ही, जब बच्चा अभी जो है गर्भ में है, भ्रूण है, भ्रूण अवस्था में है, तभी उसका पता लगाया जा सकता है। ये बढ़िया टेक्निक है, तो ये बढ़िया टेक्निक है, इसको करेक्ट भी किया जा सकता है तो, है ना। और अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत है तो उसको अबॉर्ट करवा दो, ठीक है, बच्चे को अबॉर्ट करवा दो, क्योंकि कल को फिर वो बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके भाई विकार है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो कल को वो बच्चा भी परेशान हुआ, उसके घर वाले परेशान होंगे, इससे बढ़िया है पता पहले पता लग जाए तो अबॉर्ट करवा दो, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोगों को लगे यार ये तो बढ़िया टेक्निक है, पहले पता लग जाता है कि हाँ इसमें कोई आनुवांशिक विकार है या नहीं है, टेक्निक तो बढ़िया है, लेकिन इंडिया में जो लोग है ना वो इस टेक्निक का मिसयूज करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो उल्भवेदन जो टेक्निक है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड तो निकालते ही है, जब वो इस फ्लूइड को निकालते हैं, उन कोशिकाओं को जब एनालाइज करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि जो अंदर जो भ्रूण बन रहा है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, उस चीज का उनको पता लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे पता लग जाता है मेल या फीमेल है, तो लोग ऐसे हैं जिनको फीमेल नहीं चाहिए होती, जो लड़कियां हैं उनको नहीं चाहिए होती, तो क्या करते हैं, फीमेल देखा अबॉर्ट करवा दिया। तो इससे क्या बढ़ने लगे, जो मादा भ्रूण हत्या जो है जिसको कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके केसेस बढ़ने लगे, फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ने लगे और लड़कियों की जो जनसंख्या वो क्या है, डाउन आने लग गई। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लिंग निर्धारण पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। क्या उल्भवेदन ये जो टेक्निक है इस टेक्निक पे क्या बैन है, नहीं जी, उल्भवेदन पर बैन नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने। बैन किस पे लगा, भैया आप उल्भवेदन कर सकते हो लेकिन सिर्फ आप विकार देखोगे, जेनेटिक डिसऑर्डर देखोगे, अगर आपने लिंग निर्धारण कर दिया, अगर आपने उनके घर वालों को लिंग बता दिया, आप ये बता दो कि भाई इसमें कोई विकार है, इसके जेनेटिक डिसऑर्डर, बच्चे को जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके ये दिक्कत आएगी, ये आप बता सकते हो, लेकिन आपने अगर उनके घर वालों को ये बता दिया कि ये लड़का है या लड़की है और उसके बाद में उन्होंने अबॉर्ट करवा दिया लिंग देखकर, तो फिर अगर शिकायत हुई तो डॉक्टर साहब की पढ़ाई खतरे में आ जाएगी, है ना, उनकी डिग्री कैंसिल होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर क्या है, बैन लगा दिया लिंग निर्धारण पर। तो आप जब भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो आपको ये पोस्टर तो दिख ही जाएगा कि यहां पर लिंग निर्धारण नहीं होता है, ठीक है, लिंग जांच यहां नहीं होती। चलो, तो उल्भवेदन क्या है, विकासशील जो भ्रूण है उसके का एमनियोटिक फ्लूइड के आसपास द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको बाहर निकालकर उसकी भ्रूण की जो कोशिकाएं उनका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करके अपन डॉक्टर्स देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है, तो इसमें आनुवांशिक विकार जो वो देखा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर देखा जाता है। कौन कौन से डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक बात है। चलो, इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो बढ़िया टेक्निक है, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा था, इसलिए मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए फीमेल फिटिसाइड, इंग्लिश में कहते हैं फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन ये कंफ्यूजन होती है कि भैया क्या उल्भवेदन पर प्रतिबंध लगा है, नहीं, उल्भवेदन पर प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन लिंग निर्धारण पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। समझ में आई चीजें, ठीक। चलो, अब वापस अपनी एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी कहती है बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को की कानूनी रोक के लिए उल्भवेदन एमनियोसेंटेसिस जांच वर्धनशील भ्रूण की चारों ओर उल्भ तरल, उल्भ तरल किसको कहा है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसी को कहते हैं ना, इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे। उल्भ तरल क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, में गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूणीय लिंग निर्धारण, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध एवं व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण
आ गया है ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, सेल्स निकालते हैं, उनमें उनको गुणसूत्र मिल जाते हैं, क्रोमोसोम मिल जाते हैं, क्रोमोसोम देख लेते हैं भाई एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का है, उनको पता लग जाता है, इसलिए ये इस चीज पर बैन लगाया गया है। तो ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। चलो प्रतिरक्षीकरण, बाल प्रतिरक्षीकरण मतलब बच्चों को टीका लगाते हैं ना, टीका प्रतिरक्षीकरण, टीका ठीक है, इम्यूनाइजेशन आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। अब इसमें जो है सरकारी एजेंसियां तो काम करती ही है, उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियां हैं वो भी, एनजीओ जो है वो भी काम करते हैं। एनजीओ सुना आपने, एनजीओ की फॉर्म क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। ठीक है, एनजीओ जो है गैर सरकारी जो संस्थाएं, ये भी क्या है, किस पे काम करती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी एनजीओ जो है वो काम करती हैं इस चीज पे कि हाँ लोगों को जागरूक कर रही हैं, एड्स के बारे में बता रही हैं। और आप सबको बताऊं आज 1 दिसंबर एड्स डे आज, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे एड्स की, बात करेंगे ना, पक्का एड्स डे है ना, 1 दिसंबर पे आता, चलो 1 दिसंबर ही था ना, चलो है ना, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक बात है, चलो तो ये बस आप नॉर्मल आते हैं, आपको पता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं सहेली नामक की गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। एक बार मैं नोट्स में चलूंगा फिर अपन यहां पे आते हैं वापस। देखो एक बार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार जनसंख्या, वो जो वृद्धि दर वो कितनी है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर वो कितनी है, लगभग 2% जनसंख्या की वृद्धि दर है। लगभग 2% का मतलब क्या है भैया, 2% तो बहुत कम है, ठीक है, फिर जनसंख्या बढ़ कैसे रही है। अरे 2% होना ज्यादा बात होती है, 2% से भी कम है वैसे तो जनसंख्या की दर। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार एनसीईआरटी इंग्लिश वाली लिखती है less than 2% और हिंदी वाली लिखती है कि लगभग 2%, तो 2% से कम ही है ये, लेकिन ये 2% जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक बात है, चलो ये कुछ फुल फॉर्म है, पहले वो फुल फॉर्म देख लो फिर अपन सहेली पे आएंगे। तो आरसीएच जो है, आरसीएच जो उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। आईएमआर होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। उसके अलावा सीडीआरआई, अब देख लो सीडीआरआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीडीआरआई क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर है। कहां पे है, लखनऊ। लेकिन लखनऊ कहां है, उत्तर प्रदेश में, सबको पता है बात तो ना। चलो तो सीडीआरआई जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, फुल इसकी जो हिंदी में इसका नाम है वो क्या, केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ, अनुसंधान संस्था भी लिखनी है ना। चलो यहां पर वही रह गया थोड़ा सा, अनुसंधान संस्था, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था, ठीक है, लखनऊ। कहां है, लखनऊ में, लखनऊ में। अब इस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, इसने क्या बनाई, इसने सहेली बनाई। क्या बनाई, सहेली बनाई। सहेली क्या है, सहेली क्या है, एक टेबलेट है। क्या है, एक टेबलेट है, ठीक है, एक गोली है, ठीक है। कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल है, ये आपको ध्यान में रखना है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। सहेली एक ऐसी पिल है जो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल गोली है, स्टेरॉइड की नहीं बनी हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें सेंट क्रोमोन है। क्या है, सेंट क्रोमोन से बनी हुई है, ठीक है। सप्ताह में एक बार लेनी होती है, वीक में एक बार लेनी होती है इस गोली को, फिर काम चल जाएगा। किस चीज का काम करती है, गर्भ निरोधक का काम करती है, प्रेगनेंसी रोकने का काम है इसका, सहेली का। ठीक बात है, तो सहेली जो है कहां बनाई, सीडीआरआई ने बनाई इसको। सीडीआरआई कहां है, लखनऊ में है। उसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल है, किससे बनी हुई है, सेंट क्रोमोन से बनी हुई है। ठीक बात है, वीक में इसको एक बार लेनी पड़ती है, इसलिए ऐसा नहीं कि भाई डेली लो गोली को, डेली लेनी नहीं जी, डेली नहीं लेनी, सप्ताह में एक बार लो और पूरे सप्ताह की छुट्टी फिर, ठीक है। तो वीक में एक बार लेनी होती है इसको। ये क्या करती है, कैसे ये जो प्रेगनेंसी उसको कैसे रोकती है, ये सहेली एस, ये जो गोली है ये क्या करती है ऐसा कि प्रेगनेंसी नहीं होती, वो ध्यान से सुनो भाई। ये जो सहेली है ये एस्ट्रोजन के ग्राही को ब्लॉक कर देती है, जो एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके जो रिसेप्टर्स है ना, इसके जो ग्राही है उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब एस्ट्रोजन के ग्राही जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, अंडोत्सर्ग जो है वो नहीं होगा, एंडोत्सर्ग नहीं होगा लेकिन अंत्रोपण, अंडोत्सर्ग होता है लेकिन अंत्रोपण नहीं होगा। वापस सुनो ध्यान से एक बार थोड़ा सा, ये जो सहेली क्या करती है, जो एस्ट्रोजन है उसके जो ग्राही है उसके जो रिसेप्टर उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होगा, अंडोत्सर्ग जो ओविलेशन है, ओवम तो बाहर निकलेगा लेकिन अंत्रोपण नहीं होता। क्या नहीं होता, अंत्रोपण, इम्प्लांटेशन नहीं होता। जो दीवार है, जो दीवार है जिसमें मैंने आपको कहा था इसमें आके जो है अंत्रोपण होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो दीवार में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जुड़ता नहीं है, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। तो यहां पर अंत्रोपण जो है वो नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं,
आ जाओ फिर ऐसे एनसीईआरटी में आ जाओ। तो यहां पर ये मैंने आपको बता दिया कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, जिसकी खोज कहां पर हुई, भारत में लखनऊ में, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई में ने की है, बता दी मैंने आपको ये बात। यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल के से मात्र एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। आप सबको बताया भाई पहले के टाइम पे जितनी फैसिलिटीज थी उससे बढ़िया फैसिलिटीज होगी। पहले जो डिलीवरी वगैरह वो कहाँ होती थी, घरों में डिलीवरी होती थी, बच्चे पैदा कहाँ होते थे, घरों में हो जाते थे। अब कोई भी दिक्कत होती तो कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, हर एक चीज फैसिलिटीज है। इसलिए क्या है, शिशु की जो है उसकी मृत्यु दर में भी कमी आई है, जो माताएं हैं उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है। अब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स जो है उनका ध्यान रखने के लिए वहां होते हैं, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट नर्सेस होती हैं वो वहां पर होती हैं, तो ताकि वो क्या है ध्यान रखें कि कोई दिक्कत आती है तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसे ही जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, पहले घरों में डिलीवरी होती थी तो बच्चे में कोई बच्चा कमजोर होता था तो बच्चे की एक दो दिन बाद में मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है फैसिलिटीज बढ़ गई तो बच्चा अगर कोई कमजोर है तो उसको कैसे बोलते हैं ना कि मशीन में दे रखा है बच्चे को, है ना, है ना, सुना होगा आपने ये, तो वो क्या है वेंटिलेटर पर रख देते हैं उसको। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट का साधन बढ़ गए हैं तो उसे क्या है मृत्यु दर रुकी है, किसकी, मातृ मृत्यु दर भी रुकी है और शिशु मृत्यु दर भी रुकी है। चलो तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में दोनों में गिरावट आई है, लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है, ठीक बात है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाएं का होना अधिक समाज के लिए बेहतर जन स्वास्थ्य की संकेत देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज बढ़ी है, इससे क्या पता लग रहा है कि आपका जो समाज है वो कैसा है, जनरल रूप से स्वस्थ है, ठीक बात है। तो पहले के टाइम पर और आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, मतलब ये जो प्रोग्राम्स चलाए थे गवर्नमेंट ने वो सही में काम किया है उन प्रोग्राम्स ने, है ना। तो अब तो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, वैसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं कि भाई जिस दिन प्रेगनेंसी की पता चला नहीं उसी दिन से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट चालू, ठीक है, पूरे 9 महीने जो है टाइम टू टाइम जो है रेगुलरली चेकअप के लिए जाया जाता है, उसके बाद पहले डेट पता लग जाती है, उससे पहले ही जो है हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। तो प्रॉपर अब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, पूरी केयर पूरा ध्यान रखा जाता है सारी चीजें, है ना। चलो तो इससे क्या है, इससे क्या है, ये मृत्यु दर कम हुई है तो इससे जनसंख्या बढ़ेगी, बिल्कुल भाई। पहले जो है माताएं मर जाती थी, मदर मर गई तो एक आदमी कम हुआ ना, जनसंख्या कम हुई है, बच्चा पैदा हुआ वो क्या है दो दिन बाद मर गया तो क्या है मृत्यु दर उस टाइम पर ज्यादा थी तो क्या जनसंख्या कंट्रोल में थी। लेकिन अब क्या है फैसिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, तो जो है माताएं जो मदर्स हैं, ठीक है, जो डिलीवरी के टाइम उनकी भी बढ़िया से केयर हो जाती है, ट्रीट कर दिया जाता है उनको तो वो भी बच जाती हैं, किसी के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हुई तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, वहां पर तो डॉक्टर होते हैं तो ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऐसे ही जो शिशु है उसका भी ध्यान रखा जाता है तो इससे क्या है जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण इसकी बात कर लेते हैं, आज पहले अपन अपने नोट्स में चलेंगे उसके बाद में यहां आएंगे। चलो तो भारत में पहली जनगणना कब हुई, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी तो वो हुई थी 1872 के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई 1872 के अंदर, क्या ये नीट में आएगा, नहीं नीट में आएगा नहीं आएगा, इसे कूल बनने के लिए बता दिया मैंने ना, नीट में नहीं आएगा ये, 1872 में हुई थी, है ना। अब थोड़ी सी विश्व की बात कर लेते हैं, विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 1900 में 2 बिलियन लोग थे पूरे विश्व के अंदर, और 2000 आते आते कितने हो गए 6 बिलियन हो गए, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गए, और वहीं 2011 में कितने हो गए 7.2 बिलियन लोग हो गए पूरे विश्व में। अब बात करते हैं भारत की, बात कर लेते हैं तो भारत की जनसंख्या आजादी के समय कितनी थी 350 मिलियन थी, कितनी थी 350 मिलियन, और 2000 में कितनी हो गई 1 बिलियन, और 2011 में कितनी होगी 1.2 बिलियन हो गई। तो इसलिए जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और हाई रेट के साथ में बढ़ती जा रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में हर छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय है, ठीक है, विश्व के अंदर हर छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलो 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 2001 में जो है जनगणना हुई थी जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार जो उस टाइम पर जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, वो 1.7 थी, 1.7% थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 1000 लोगों पर 17 लोग नए एड हो रहे हैं एक साल में। भाई मैं ये कह रहा हूं कि 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 1.7% क्या थी वृद्धि दर थी, ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1000 लोगों पर 17 नए लोग ऐड हो रहे हैं एक साल में। तो भैया है ना बढ़िया वृद्धि दर, ठीक है, 1.7 कम नहीं है, वो ज्यादा है, ठीक है भाई, 1000 लोगों पर ही 17 लोग नए बढ़ गए। तो ये देखो कि कितने लोग हैं देश में, तो उन लोगों पर कितने लोग नए लोग ऐड हो रहे होंगे, 1000 पर 17 नए ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एक साल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने क्या होगी ये वृद्धि दर, ये लगभग 2% आ गई। तो मतलब क्या हुआ 20 नए लोग ऐड हो रहे हैं 1000 लोगों पर एक साल में, ठीक बात है। चलो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है,
जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है भाई, एक तो प्रॉपर फैसिलिटी होगी, फैसिलिटी बहुत होगी है ना, फैसिलिटी ज्यादा होगी इस वजह से क्या है मृत्यु दर में कमी आई है, मृत्यु दर में कमी आई है तो क्या हो गया, जनसंख्या तो बढ़ेगी तो मृत्यु दर में कमी आई है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा है मात्र मृत्यु दर में भी कमी आई है, मैंने कहा पहले डिलीवरी घरों में हो जाती थी, अब जो है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, प्रेगनेंसी का पता चला नहीं और अगले दिन ही जो क्या है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट चालू, तो क्या ये क्या इससे क्या होगा, जो मात्र है उसकी मृत्यु दर में भी क्या है कमी आई है, कमी आई है तो क्या हुआ जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो MMR में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, बच्चा कमजोर पैदा हुआ फिर भी उसको बचा लिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है, तो इसमें किससे क्या हुआ, इससे भी क्या जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो जनन आयु में है जो रिप्रोडक्टिव एज में है उनकी जनसंख्या भी है क्या है ज्यादा हो रही है, तो जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज में होंगे वो बच्चे पैदा करने वाले एज में के लोग ज्यादा है तो वो क्या बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, ज्यादा पैदा करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। चलो अब इसी को अपन NCERT में देख लेते हैं, सिंपल सी बातें थी बस समझा दिया, बस अपन को रीडिंग करवानी एक बार। तो पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास के से लोगों के जीवन स्तर से के में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है, हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। मैंने आपको बता दें कि जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा लोग कम मरेंगे, लोगों की मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2 अरब थी, मतलब 2 बिलियन या फिर 200 मिलियन बोल दो ना, जो सन 2000 में कितनी होगी तेजी से बढ़कर 6 अरब होगी, मतलब 6 बिलियन होगी, 6000 मिलियन होगी, ठीक है। यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है, हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब 1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब कि आज दुनिया में हर छठा आदमी कौन है, भारतीय है। सबका कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये मैंने अभी आपको जो बताई बस वही बातें लिखी हुई हैं। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। अपने जितने प्रोग्राम चलाए ना, लोगों को जागरूक किया कि भाई 2 ही बच्चे रखो, ठीक है, ये सारी बातें बताई, इनसे फर्क तो पड़ा है लेकिन बहुत ही कम फर्क पड़ा है, ठीक है, नाम मात्र की हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग वृद्धि जो है वो कितनी हो गई, 1.7% थी, ठीक है, अर्थात प्रति हजार में 17 व्यक्ति प्रतिवर्ष नए ऐड हो रहे हैं। यद्यपि इस वृद्धि दर से 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है, इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि पर मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जो मूलभूत जरूरतें हैं वो उनकी कमी आएगी, ठीक है। तो यही बातें तो आपको टीवी न्यूज में देखने के लिए मिलती होगी, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी लोगों को बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो उतनी नहीं मिल पाएंगे, है ना। चलो, जैसे अन्न, आवास, कपड़े आदि, हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं, ठीक बात है। अब ये आपको सबको पता, जनसंख्या बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, सारी दर मैंने आपको समझा दी। चलो, अब जो है बात आती है कि भैया 2 बच्चे रखने हैं, 2 बच्चे ही रखने हैं, मान लिया हमने 2 बच्चे रखने हैं, तो उसके क्या उपाय हैं, क्या उपाय है, बस उन्हीं उपायों की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि भाई 2 बच्चे करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही बंद हो जाए, नहीं जी, वो तो फिजिकल नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, नहीं, वो खत्म नहीं करना है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। हम कुछ ऐसे तरीके इजाद कर दिए हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप यूज करो और प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो गया और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ये तो अच्छी बात होगी, तो फिर तो 2 बच्चे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी उन्हीं उपायों की बात करते हैं, आ जाओ। तो वो उपाय कौन से, गर्भ निरोधक उपाय की बात करेंगे, इसके बाद करेंगे गर्भ निरोध उपाय की बात करेंगे। तो आदर्श गर्भ निरोधक उपाय के गुण क्या हैं, ठीक है, देखो गर्भ निरोध का मतलब सबको पता है कि ऐसी चीजें जिनसे क्या हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, तो प्रेगनेंसी रोकने का काम है इनका। चलो, तो आदर्श गर्भ निरोधक किसको कहेंगे अपन, ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके अंदर जिसको अपन आदर्श गर्भ निरोधक कहेंगे, तो वो देखो, पहला है प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, ठीक है, जो प्रयोगकर्ता है उसके हितों की रक्षा करने वाला हो, सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक बात है। दूसरा, आसानी से उपलब्ध हो जाए भाई, आसानी भाई, तरीका ऐसा होना चाहिए ना, उपाय ऐसा होना चाहिए भाई, किसी कोई कपल है उसको बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक है, तो वो चाहता कि मैं कोई उपाय यूज कर लूं ताकि मेरी प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, हमें 2 बच्चे रखने, तो ये उपाय ऐसा होना चाहिए ना कि वो हर जगह अवेलेबल हो। अब ऐसा है कि भाई को गांव में बेचारा वो मुंबई में मिलता हो, उपाय मुंबई में मिलता हो, तो इस चीज के लिए मुंबई थोड़ा ना जाएगा, इससे सोचेगा कि भाई एक बच्चा ही पैदा हो जाए, ठीक है,
तो इसलिए जो है यहां पर उपाय ऐसा होना चाहिए जो आपको हर जगह मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। प्रभावी तथा कोई दुष्प्रभाव ना हो, एक तो प्रभावी होना चाहिए उपाय, ऐसा नहीं हो कि भाई अगले ने उपाय भी यूज किया और कल को पता चला प्रेगनेंसी भी हो गई, तो फिर मतलब क्या हुआ उसका यूज करने का। और दूसरी चीज, साइड इफेक्ट भी नहीं होनी चाहिए, अगर साइड इफेक्ट है तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये गुण होने चाहिए किसके अंदर, उस गर्भ निरोधक के अंदर, तब उसको क्या बोल सकते हैं अपन, आदर्श गर्भ निरोधक बोल सकते हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता की काम इच्छा जो सेक्सुअल ड्राइव है उसमें भी कोई बाधक ना हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो उपयोगकर्ता है जो इन उपायों को यूज कर रहा है, जो गर्भ निरोधक इनको यूज कर रहा है, उसकी सेक्सुअल ड्राइव भी खत्म हो गई, ठीक है, उसकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो इच्छा वही खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गुण जिसके अंदर मिल जाएंगे ना, ये सारे गुण जिस गर्भ निरोधक के अंदर मिल जाएंगे उसको क्या कह देंगे अपन, आदर्श गर्भ निरोधक कह देंगे, ठीक बात है। चलो भाई अब यहां तक एक बार एनसीईआरटी मारते रीडिंग। तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए, इस प्रकार की समस्या किस, कौन सी समस्या, जनसंख्या वाली समस्या है ना, किसने निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देना देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है। लोगों को लघु परिवार मतलब छोटी फैमिली के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो छोटी फैमिली से आप ये मतलब ये मत समझो कि छोटी फैमिली से मतलब ये है कि भैया हम तो अकेले ही रहेंगे, पांच लोगों की फैमिली है, घर वालों को छोड़ देंगे, है ना, हमारी शादी होगी हम तो घर वालों को छोड़ देंगे कि भाई सरकार ने कहा है छोटी फैमिली रखनी है, माँ बाप को छोड़ दे, नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में रहो लेकिन बच्चे कम पैदा करो। छोटी फैमिली का मतलब क्या है कि बच्चे कम पैदा करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको भाई घर वालों से अलग हो गए, घर वालों से तो अलग हो गए छोटी फैमिली करने के चक्कर में और बच्चे 15 पैदा कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, बच्चे कम पैदा करने हैं, ठीक है। चलो, आपने शायद संचार माध्यमों किसमें विज्ञापन के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर में ये एवं पर्चे भी देखे होंगे जहां पर एक खुशहाल जोड़े के साथ दो बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो के साथ नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप के से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है, ठीक है। तो आपने ये चीज तो देखी होगी दीवारों पर भी जो गवर्नमेंट के एड्स होते हैं, उसके अलावा जो रोडवेज बसें हैं उन पर भी ये एड्स आपको दिखे होंगे, हमारे हम दो हमारे दो एक कपल है उनके बच्चे दो दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा पोस्टर एनसीईआरटी बोल रही है। और ऐसे बोलते कि शहरों के अंदर जो कामकाजी हैं उन्होंने तो एक बच्चे का ही अपना लिया कि हम तो भैया एक बच्चा ही रखेंगे, ठीक बात है। सरकार दो के लिए बोल रहे थे, जिनके क्लीन जो कामकाजी जिनको बच्चे नहीं संभाल सकते वो बोल रहे हम तो एक ही रखेंगे, चलो ठीक है, वो और भी एडवांस हो गए। चलो तो विवाह की आगे बढ़ते हैं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। अब ये एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी ही है, इसमें 18 वर्ष दे रखी है, तो शायद 21 वर्ष का चल रहा था, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अपन को 18 वर्ष याद रखनी है, ठीक है। लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, शायद इसको 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, लड़की के लिए भी 21 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन अभी 18 वर्ष ही अपन को याद रखना है। चलो, और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये एज क्यों बताइए, एज इसलिए बताइए कि 18 वर्ष लड़की की आयु होनी चाहिए मिनिमम शादी के लिए और लड़के की 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बाल विवाह जो वो रुकेगा, बाल विवाह रुकेगा, बाल विवाह रुकेगा, तो जो है जो एक एज होती है जो टीन एज होती है उसमें जो है बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना, लोगों को ज्ञान आएगा, जैसे वो अडल्ट होंगे तो उनको थोड़ा ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, तो वो बच्चे कम पैदा करेंगे, ठीक है। तो ये एज जो है वो सुनिश्चित किए गए 18 वर्ष लड़की के लिए 21 वर्ष लड़के के लिए। इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। आइए यहां पर कुछ सामान्य तौर और पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें, कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल करने किए जाने वाले गर्भ निरोधक के तरीके हैं उनकी बात करेंगे। चलो आ जाओ, तो एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रयोगकर्ता जो उसके हितों की रक्षा करने वाला हो, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, भाई गांव में है तो वहीं पे मिल जाए आसपास ही उसको, ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में मिलता हो, वो गांव से दिल्ली थोड़ा ना जाएगा लेने के लिए, ठीक है। तो आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुसंगी प्रभाव ना हो, ठीक है, या दुष्प्रभाव नहीं हो, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रभावी तो होना चाहिए वो, भाई कोई उपाय अगर प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज में लिया है तो प्रेगनेंसी रोके, कल को पता चले उपाय भी यूज में लिया था उसने, गर्भ निरोधक जो वो भी यूज में लिया था, प्रेगनेंसी भी हो गई, तो फिर क्या मतलब हुआ, तो वो प्रभावी तो होना चाहिए लेकिन उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और मान लो कोई साइड इफेक्ट है तो बहुत कम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा मैंने बताया, सेक्सुअल ड्राइव जो है, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत सारे उपलब्ध हैं आज के टाइम पर, ठीक है। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अभी अपन श्रेणियों में बात करेंगे।
तो पहला जो है सरिणी क्या है, टेम्पररी मेथड। टेम्पररी तरीके कौन से हो गए, टेम्पररी तरीके वो हो गए भाई किसी को जो है कोई कपल है उसको कुछ टाइम तक क्या है बच्चे पैदा नहीं करने, ये टेम्पररी मेथड है ठीक है, कुछ टाइम तक बच्चे पैदा नहीं करने, बाद में उनको बच्चे पैदा करने ठीक है, तो वो क्या यूज करेंगे, टेम्पररी मेथड यूज कर लो भाई। लेकिन कुछ कपल ऐसे हैं कि भैया हमें बच्चे पैदा नहीं करने, हमने दो तीन बच्चे पैदा कर लिए, दो ही बच्चे पैदा करने, दो ही ठीक है, हमने दो बच्चे पैदा कर लिए इसके बाद में हमें और बच्चे नहीं पैदा करने, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए परमानेंट मेथड है। आगे बात करेंगे परमानेंट मेथड की, भाई उनको आगे बच्चे पैदा नहीं करने तो परमानेंट मेथड यूज करो, और जिनको आगे बच्चे पैदा करने तो वो टेम्पररी मेथड यूज करो। अब टेम्पररी मेथड कौन से, सबसे पहला प्राकृतिक विधियां, कुछ प्राकृतिक विधियां हैं इनके बारे में बात करते हैं। नेचुरल मेथड है, और ये सारे जितने नेचुरल मेथड है तीन तरीके बताऊंगा, तीन ही अच्छे तरीके नहीं है, नेचुरल है लेकिन अच्छे नहीं है ठीक है। पहला इसमें आवधिक संयम, आवधिक संयम इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होता है ये ध्यान से सुनना, आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन न करना ठीक है। पहला जो तरीका वो ये है कि भैया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उसके उसके कौन से दिन, 10वें से लेकर 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, आप सबको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर के अंदर अपने पढ़ा था कि जो अंडोत्सर्ग है, जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है, वो 14th डे पे होता है, कब होता है 14th डे पर ओवम बाहर निकलता है ठीक बात है, तो 14th डे पर ओवम बाहर निकलेगा ठीक है। लेकिन हमने जो है क्या कहा, हमने कहा कि 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत ठीक है, ताकि कोई चांस ही ना बने प्रेगनेंसी होने की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये मान लो 14th डे पर निकलता, ये मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता 15वें दिन पर निकले ठीक है, इसलिए अपन क्या ले लिया एक सेफ साइड ले ली, कम से हो गए 13वें दिन पर निकले तो अपने एक सेफ साइड ले ली। क्या सेफ साइड ले ली कि भाई 10वें से 17वें दिन तक आप बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत ताकि कोई दिक्कत ही ना आए ठीक है। तो आपने कहा ये तो भैया बहुत बढ़िया तरीका हो गया, ये तो बहुत बढ़िया तरीका हो गया कि भाई 10वें से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वां और 17वां दिन है, इनके बीच का जो पीरियड है मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनके इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल तरीका बिल्कुल नहीं, खराब तरीका है, बढ़िया तरीका नहीं है। क्यों बढ़िया तरीका नहीं है, इसलिए बढ़िया तरीका नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सही चलती नहीं है ठीक है। 99.9% जो महिलाएं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब ही चल रही है ठीक है, उनके अंदर आइडियल नहीं चल रही। आइडियल कितनी होती है, 28 से 29 दिन की है ना, 28 से 29 दिन की क्या होती है इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ठीक है। लेकिन आइडियली ये होती है, यह तो आदर्श है, तो आदर्श तो किसी के अंदर है ही नहीं। तो बाकी जो महिलाएं किसी के अंदर 35 दिन की चल रही है, वो गिन के बैठे हैं दिन कित कौन से 29 दिन के हिसाब से दिन गिन के बैठे हैं कि भाई 10वें से 17वें दिन नहीं करना है ठीक है सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो उन्होंने दिन गिने 29 दिन के हिसाब से, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आ चल गई मान लो 35 दिन की, तो उनकी तो सारी गणित बिगड़ गई फिर ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या रद्दी मेथड है ठीक है। तो ये तरीका है नेचुरल तरीका है, एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, फेल होने के चांसेस इसके अधिक होते हैं। तो पहला तो तरीका मैंने क्या बात करी, आवधिक संयम, संयम बरतना है यहां पर ठीक है, आवधिक मतलब एक पीरियड के लिए संयम बरतना है। आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में अवधि के दौरान मैथुन न करना, ये फेल होने के चांसेस अधिक होते हैं, बता दिया कैसे। दूसरा जो नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक जो विधि है वो कौन सी है, बाह्य स्खलन या फिर आंतरित मैथुन, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोइटस इंटरप्ट्स या फिर विड्रोवल मेथड ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल पार्टनर होगा ना, जो मेल पार्टनर होगा वो जब सीमन रिलीज होने वाले होंगे, जब सीमन रिलीज होने वाले होंगे तो वो क्या करेगा पीनस को रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाल लेगा और जो सीमन होंगे उनको बाहर रिलीज करेगा ठीक है। तो अब ये तो बहुत बढ़िया तरीका हो गया, जब सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज ही नहीं हुए तो किस बात की प्रेगनेंसी। अब आपको ये तो बहुत बढ़िया तरीका है ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, ये भी खराब तरीका है। खराब तरीका क्यों है, इसलिए खराब तरीका है कि जब सीमन रिलीज होने वाले होते हैं ना तो आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया पीनस को और आपने बाहर रिलीज किए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब सीमन रिलीज होने वाले होते हैं उससे पहले ही कुछ द्रव जो है वो बाहर निकलता है पीनस से ठीक है। सीमन रिलीज होने से पहले कुछ फ्लूड बाहर आ जाता है और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उस फ्लूड के अंदर क्या हो, स्पर्म की मात्रा हो, शुक्राणु हो, और मान लो एक भी शुक्राणु आ गया अंदर
ठीक है, और मान लो वो भागने में बढ़िया है, रेस लगा दी उसने और ओवम तक पहुंच गया, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपने तो बहुत बढ़िया तरीका अपनाया था लेकिन प्रेगनेंसी फिर भी हो गई, तो इसलिए ये भी क्या फेल होने के चांसेस इसके भी होते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, बाह्य स्खलन या फिर अंतरित मैथुन, कोइटस इंटरप्ट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। पुरुष संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अंग अपना जो लिंग है उसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है, इसके फेल होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरा जो नेचुरल तरीका है वो भी क्या है, तरीका ठीक है लेकिन वो भी खराब ही तरीका है, लेकिन इन इन दोनों के मुकाबले में वो तरीका थोड़ा ठीक है। देखो ध्यान से, कौन सा, स्तनपान अनार्तव, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या होता है इसके अंदर, देखो कोई जो है लेडी प्रेग्नेंट थी, कोई महिला प्रेग्नेंट थी, ठीक बात है, बच्चा हो गया बिल्कुल, आप सबको पता प्रेगनेंसी के दौरान तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रेगनेंसी होगी पूरी, बच्चा हो गया, उसके बाद में भी 6 महीने तक क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, जब तक मदर जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, ब्रेस्ट फीडिंग जो वो करती रहेगी, ठीक है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो ये मतलब दूध जो है वो कब तक बनता रहता है महिला के अंदर, तो 6 महीने आइडियली, ठीक है, आदर्श रूप से 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत बड़ा तरीका होगा, 6 महीने तक तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो क्या है अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम बाहर नहीं आएगा तो क्या है प्रेगनेंसी किस बात की हुई। ठीक बात है, बढ़िया तरीका है ना, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनका क्या होता है कि 6 महीने से पहले ही क्या आ सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है, या फिर 6 महीने के बाद में भी क्या हो जाए डिले हो जाए, ठीक है, तो उनका मतलब ये भी क्या है 6 महीना तो आइडियल हो गया ना, आदर्श हो गया, सबके अंदर 6 महीने वाला नहीं होता ना, कुछ के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, इसलिए जो है ये भी फेल होने के चांसेस इसके भी होते हैं। और आपने एक चीज नोटिस करना कि जो बच्चे होते हैं ना पुराने टाइम के जो बच्चे देखना, ठीक है, 2000 जो साल है ना उससे पहले के 1997 इससे पहले के जो बच्चे देखना, उन बच्चों के अंदर जो भाई बहन है उनके बीच में आप गैप देखना, कम से कम आपको 15 महीने 16 महीने का गैप मिलता है। क्यों मिलता है आप देखना कि भैया लेडी क्या है, मदर क्या हुई प्रेग्नेंट हुई, ये फर्स्ट बेबी है मान लो, ये क्या है पहला बच्चा है, प्रेग्नेंट हुई 9 महीने इसके मान लो, ठीक है, अब ये जो बच्चा है क्या पैदा हो गया पहला बेबी पैदा हो गया, ठीक है, अब बच्चा पहला पैदा हो गया तो उसके बाद में क्या होगा 6 महीने तक मदर इसको दूध पिलाएगी, ठीक है, उसके बाद में अगली प्रेगनेंसी होगी 9 महीने की, ठीक है, तो 6 और 9 कितने हो गए 15 महीने, तो अगला जो बच्चा होगा वो क्या होगा 15 महीने बाद में ही पैदा होगा, तो कम से कम ये होता है ना 1-1.5 साल का गैप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो स्तनपान के दौरान आर्तव चक्र नहीं होता, 6 महीने तक का ये पीरियड होता है। चलो इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, संवादी चीजें अभी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। चलो यहां पर दे रखा था, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, प्राकृतिक या फिर परंपरागत जो विधियां हैं अभी उनकी बात करी अपन ने, रोध विधि अपन आगे पढ़ेंगे भी है ना, आयुडीज अपन आगे पढ़ेंगे, और मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक योग्य जो गोलियां हैं उनकी बात करेंगे, टीके के रूप में अंतरूप तथा शल्य क्रियात्मक विधियां भी अपन बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी प्राकृतिक परंपरागत की बात करेंगे, अभी करके आए हैं अपन, अभी रीड करनी है अपन को। तो प्राकृतिक जो विधि है, ये विधियां अंडाणु ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है कि भैया आप ये काम करो, अंडाणु और जो शुक्राणु है इनको मिलने मत दो, जब मिलेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी किस बात की होगी। ठीक बात है, चलो इनमें एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति महावारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच, महावारी चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं, ठीक है, अवधि के बीच दौरान मैथुन से बचते हैं, ठीक है, 10वें से 17वें दिन, अभी मैंने आपको बता दिया था, जिसमें जिसे अंडोत्सर्जन की इससे की अपेक्षित अवधि मानते हैं, इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निश्चय अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भधान से बचा जा सकता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। चलो आगे बात करें, बाह्य स्खलन, दूसरा तरीका क्या है, बाह्य स्खलन या फिर आंतरित मैथुन, इंग्लिश में कहते हैं कोइटस इंटरप्ट्स। एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच जाता है, स्तनपान, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, स्तनपान अनार्तव, ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताई, बस वही चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है ना, स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल एमिनोरिया। विधि भी इस विधि में क्या होता है, तथ्य पर निर्भर होती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। चलो, इसलिए इतने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी
से या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है, देखो 4 से 6 महीने का, ठीक है, अधिकतम 6 महीने का। तो गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि की होती है, कारगर मानी गई है। चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य बराबर होते हैं। अब इनमें कोई अपन दवा यूज कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके हैं यार, कि भाई 10 से 17 दिन सेक्स ही मत करो, ठीक है। उसके अलावा क्या है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पार्ट डेवलप, पीनिस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वजाइना उससे बाहर निकाल लेगा, तो क्या होगा, अंदर स्पर्म नहीं जाएंगे, स्पर्म नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत थी, कोई नहीं होगी। तो ये नेचुरल तरीके हैं। तीसरा क्या है, स्तनपान का तरीका, तो इसमें क्या है, ये नेचुरल तरीका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसमें कोई दवाई यूज करें नहीं करें तो कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ना, नेचुरल तरीके में क्या साइड इफेक्ट होगा। तो यहां पर जो दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर होते हैं, हालांकि इसमें असफल रहने की दर भी काफी अधिक होती है, मैंने आपको बता दिया फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं इनमें, जो नेचुरल तरीके होते हैं इनमें फेल होने के चांसेस होते हैं। अब अगला तरीका पर पढ़ेंगे वो क्या है, आपका रोध विधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रोध विधि की बात करेंगे, बैरियर मेथड की बात करने वाले। ये जो रोध विधि है किस पर काम करती है, स्पर्म और ओवम को उनके बीच में क्या लगा देगी, एक बैरियर लगा देगी, रोध लगा देगी, प्रतिरोध लगा देगी उनके बीच में। ध्यान से सुनो, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा देगी। बैरियर लगाने से क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे तो प्रेगनेंसी किस बात की होगी, ठीक बात है। चलो तो स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है इस विधि के अंदर। रोध विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं किसके बीच में, स्पर्म और ओवम के बीच में, उससे क्या होगा, दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। कौन कौन से तरीके इसमें क्या है, इसमें कॉन्डम्स है, फेमिशियल किसको कहते हैं, फीमेल्स के कॉन्डम आते हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफ्राम्स हैं, वॉल्ट्स हैं, ये कुछ तरीके हैं, इनसे क्या है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, सारे रोध विधि के अंदर आते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्डम्स की बात करेंगे, तो कॉन्डम्स जो पुरुष और महिला दोनों के लिए अवेलेबल है ये, ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए आते हैं। पतले रबर, या तो पतले रबर के बने होंगे या फिर लेटेक्स के बने हुए होते हैं। अब यहां पर एक वो होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किससे, लेटेक्स से एलर्जी होती है, तो वो रबर का यूज करते हैं, किसको, रबर से, तो वो लेटेक्स का यूज करते हैं ना, तो इसलिए जो है एलर्जी होती है, कुछ लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है, तो वो रबर वाला जो है कॉन्डम वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स में ऐड करी गई है ना, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पतले रबर या लेटेक्स से बना हुआ होता है, ठीक है, डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज किया डिस्पोज करो, उसके बाद में फेंक दो, एक बार यूज किया डिस्पोज करो, उसके बाद फेंकना नहीं, बाहर नहीं फेंकना, डिस्पोज करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, ठीक बात है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ यूज किया और बाहर फेंक दिया, नहीं, गलत बात है, डिस्पोज करना प्रॉपर तरीके से, ठीक बात है। जैसे अपन डिस्पोजल का मतलब, जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, पानी पिया फेंक दिया, ठीक है, डिस्पोज कर दिया, उस तरीके से इनको एक बार ही काम मिल जाता है। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं कॉन्डम्स को, सेल्फ इंसर्ट करो, किसी ऐसे नहीं कि भाई डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर फिर इंसर्ट करके देगा, नहीं, खुद इंसर्ट कर सकते हो। प्राइवेसी प्रदान करता है, सबसे बड़ी बात की प्राइवेसी होती है, अब खुद इसको यूज कर सकते हो, खुद इसको इंसर्ट कर सकते हो, खुद इसको पहन सकते हो कॉन्डम्स को, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, तो प्राइवेसी बनी रहेगी, सही बात है। चलो, और इससे एसटीडी से बचा जा सकता है, जो कॉन्डम से इनका एक एडिशनल फायदा होता है, प्रेगनेंसी को तो रोकते ही है, उसके अलावा ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो यौन संचारित रोग होते हैं, उनसे भी बचाते हैं, ठीक बात है। चलो, अब डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं, रबर के बने हुए होते हैं। आप ध्यान से देखो, कॉन्डम्स जो किससे बने होते हैं, रबर के भी आते हैं, लेटेक्स के भी आते हैं, लेकिन ये डायफ्राम, वो सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये जो है सिर्फ रबर के बने हुए होते हैं, और ये रीयूजेबल भी होते हैं। कॉन्डम्स कैसे थे, डिस्पोजेबल थे, यूज करो थ्रो करो, लेकिन यहां पर जो है वो रीयूजेबल है, एक बार यूज कर लिया वापस इसको रीयूज कर सकते हो, ठीक बात है। चलो, इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड मार लेते हैं। तो रोध जो बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। बता दिया मैंने आपको कि अंडाणु और शुक्राणु को आपस में, स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं दिया जाता इसमें। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए आते हैं। कंडोम, कॉन्डम, ठीक है, निरोध भी कहते हैं इसको, एक ब्रांड है निरोध, ठीक है, आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ठीक है, पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग के उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है, और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके, यह गर्भाधान से बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं इससे, है ना, समझ गया बिल्कुल, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए कॉन्डम का मशहूर ब्रांड क्या है, निरोध है, ठीक है, ये आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, ठीक है। चलो, निरोध काफी पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, बाकी तो ये बाकी प्राइवेट ब्रांड्स तो भाई काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कॉन्डम के उपयोग
इसमें तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों का तथा एड्स से भी बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। ठीक है, तो ज्यादा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो गर्भ निरोधक का जो तरीका है वो यही है, जो कॉन्डम्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक बात है, क्योंकि इससे तो पहला फायदा तो ये है कि इससे क्या बचा जा सकता है, इसे प्रेगनेंसी तो होगी नहीं। दूसरा तरीका, दूसरा जो चीज है वो क्या है, यौन संचारित जो रोग है एसटीडीज जो है उनसे भी इससे बचा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही जो कोंडम है उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं, इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है, बता दें मैंने, सेल्फ इंसर्टेड मतलब स्वयं लगा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता जो है वो बनी रहती है। अब खुद पहन सकता है कोई, खुद लगा सकता है इन कोंडम्स को, तो गोपनीयता जो है प्राइवेसी जो बनी रहेगी, किसी को पता नहीं लगेगा भाई। ठीक बात है। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा या फिर गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ठीक है, या फिर वोल्ट आदि की भी रबर बने रोधक उपाय है। मैंने आपको बताया डायफ्राम सर्वाइकल कैप मतलब गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ठीक है, और वोल्ट, ये क्या है, क्या रबर के बने हुए होते हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। जो स्त्री का जो जनन पथ है उसमें लगाए जाते हैं, गर्भाशय ग्रीवा में लगाए जाते हैं, ताकि जो है स्पर्म जो है वो कहां नहीं जाए, ओवम तक ना पहुंच पाए। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल, रीयूजेबल बताया मैंने आपको कि इन्हें रीयूजेबल किया जा सकता है, पुनः इस्तेमाल, वापस इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार काम में ले लिया वापस इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग पर्याय इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो इनको या तो नॉर्मली आप यूज कर लो, इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे जेली आते हैं, कुछ क्रीम्स आते हैं, कुछ फोम्स आते हैं, उनके साथ में अगर इनको डायफ्राम सर्वाइकल कैप इनवॉल्ट इनको यूज करोगे तो उससे क्या होगा, स्पर्म जो है उनको वो मारने का काम करती है। कौन मारने का काम करती है, ये जो होती है जेली हो गई, क्रीम हो गई, झाग हो गया, ठीक है, इनको भी इनके साथ में यूज कर सकते हैं, ताकि जो शुक्राणु है जो स्पर्म है जो वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। भारत में दूसरी प्रभावी, अब आगे इसकी बात करेंगे, इससे पहले मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बात करेंगे पहले रासायनिक विधि की बात कर देंगे ना, तो तीसरा जो तरीका वो क्या, रासायनिक विधि, अपने रोध विधि की बात कर ली, अब बात करेंगे रासायनिक, प्राकृतिक विधि पढ़ी, दूसरी अपने रोध विधि पढ़ी, तीसरी बात करेंगे अपन रासायनिक विधि की बात करेंगे, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या है, अभी अपन ने पढ़ के आ चुके वैसे एनसीईआरटी में ना, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, क्या है ये, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स मतलब स्पर्म को किल करेंगे, स्पर्म को मारेंगे या फिर स्पर्म को इतना कमजोर कर देंगे कि वो मरे हुए समान हो जाएगा, अगर वो ओवम तक पहुंच गया तो भी वो कोई काम का नहीं रहेगा, वो उसकी जो क्षमता है निषेचन करने की जो क्षमता है वही खत्म कर दी जाएगी उसके, है ना। तो ये रासायनिक विधि के अंदर कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, अभी वो आप बताएंगे ना, इसको क्रीम जेली फोम के रूप में उपलब्ध है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्रीम जेली फोम को झाग भी कहा, एनसीईआरटी ना हिंदी में झाग कहते हैं ना, तो इसलिए उसको उसके फॉर्म में ही आती है, क्रीम्स आती हैं कुछ ऐसी जिनको यूज कर लो तो वो स्पर्म को मार देती हैं, जेलीज आते हैं कुछ फोम्स आते हैं उनको यूज करो। इनमें सिट्रिक एसिड होती है, इन जेलीज ये जो क्रीम है ये फोम है इनमें ऐसा कौन सा केमिकल आता है, ठीक है, वो केमिकल से देख लो, तो इनमें सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट जैसे केमिकल इनमें होते हैं। चलो अब बात करेंगे अंतर्गर्भाशय युक्ति, जो भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाती है ना, तो इंट्रायूटराइन डिवाइस है, आईयूडीज कहते हैं इनको हिंदी में, इनको कहते हैं अंतर्गर्भाशय युक्ति, और इंग्लिश में इनको कहते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, शॉर्ट में आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज वर्ड अपन आगे यूज करेंगे। गर्भाशय में इसमें कैसे इन युक्तियों को कैसे यूज करते हैं, इन जो डिवाइसेस है कुछ, ये डिवाइस है, इन डिवाइस को कैसे यूज करते हैं, भाई ये डिवाइस खुद नहीं लगा सकते, कोई इंसान को अगर ये चाहिए, कोई फीमेल को अगर ये चाहिए तो वो खुद यूज नहीं कर सकती, क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड जो नर्स है, एक्सपर्ट जो नर्सेस है उनके पास में जाना पड़ेगा, और वो नर्सेस जो है वो डॉक्टर्स जो है वो इंसर्ट करते हैं, वो इसको इसको अंदर जो है फिट करते हैं। कैसे करते हैं अभी बात करेंगे। तो ये गर्भाशय में डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस द्वारा इन युक्तियों को लगाया जाता है। ठीक बात है, इसमें क्या होता है, स्पर्म की भक्षकाणु क्रिया को गर्भाशय में बढ़ा देते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो युक्तियां होती है क्या करती हैं, स्पर्म को है, स्पर्म जो उसके भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देती है, भक्षकाणु इंग्लिश में कहते हैं फेगोसाइटोसिस, इसे क्या होगा, स्पर्म को ये मारने का काम करती है, या तो स्पर्म को मार देंगी या फिर उसको इतना कमजोर कर देंगी कि वो ओवम तक पहुंच भी जाए ना तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अरे अपना मेन मोटिव है कि प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है, बस मेन काम अपना यही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपन को, स्पर्म को भाई क्या कर दो, भक्षकाणु क्रिया बढ़ा देंगे स्पर्म के लिए, तो स्पर्म को क्या, या तो मार देंगे किल कर देंगे या फिर उसको इतना कमजोर कर देंगे कि वो ओवम के पास पहुंच भी जाए, मान लो लड़ता पड़ता पहुंच भी जाए, फिर भी वो क्या है, कुछ काम का नहीं रहेगा, वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो बढ़िया बात होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक बात है। चलो, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं, स्पर्म जो आपको सबको पता भागता है, रेस लगाता है, तो रेस लगाता है तो ये क्या करते हैं, ये जो आईयूडीज होती है क्या करती है, उसको सप्रेस करती है, उसकी गतिशीलता जो उसकी घटा देती है, गतिशीलता घट जाएगी तो वो रेस नहीं लगा पाएगा, भाग नहीं पाएगा, तो ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा।
और उसके निषेचन करने की क्षमता को कम कर देती है, उसकी निषेचन करने की कम करने की उसकी निषेचन करने की जो क्षमता है उसको कम कर देती है, मतलब जो फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है स्पर्म की वो कम कर देंगी, इतना उसको जो गुणवत्ता उसकी खराब कर देंगी ताकि वो निषेचन कर ही ना पाए, अगर वो पहुंच भी जाए ना ओवम के पास में तो भी वो निषेचन नहीं कर पाएगा। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी डिले करनी हो या बच्चों में गैप रखना हो उन महिलाओं के लिए आयुडीज आदर्श गर्भ निरोधक हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको बच्चों में डिले रखना है कि भाई एक बच्चा पैदा हो गया फिर तीन साल बाद हमें दूसरा बच्चा पैदा करना है, ठीक है, पांच साल बाद हमें दूसरा बच्चा पैदा करना है, या फिर जिनको अभी बच्चा नहीं पैदा करना, अभी नई शादी होगी तीन चार साल बाद हमें बच्चा पैदा करेंगे, तो उनके लिए जो है ये क्या आदर्श निरोधक गर्भ निरोधक है। कैसे? सब ज्यादा महिलाएं जो है इसी को यूज करना पसंद करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? जिन महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी डिले करनी हो, क्योंकि हमें अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें डिले करनी है अभी, है ना, या फिर जिनको बच्चों में गैप रखना हो उन महिलाओं के लिए आयुडी जो है वो क्या है? आदर्श गर्भ निरोधक है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका है, अब इसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं क्या है एनसीईआरटी क्या करती है। भारत में दूसरी प्रभावी एवं लोकप्रिय विधि कौन सी है? अंतःगर्भाशय युक्तियां इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आयुडी का उपयोग किया जाता है। ये युक्तियां डॉक्टरों और अनुभवी जो नर्स हैं वो क्या करते हैं योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, इनको गर्भाशय में फिट कर देते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है जैसा कि औषधि रहित, अब इनकी आगे बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं फिर एनसीईआरटी के साथ भी पढ़ते हैं। चलो आईयूडीज के प्रकार हैं कुछ, देखो ध्यान से। पहला जो प्रकार वो क्या? औषधि रहित आईयूडी, ठीक है, औषधि रहित आईयूडी, इसमें कोई औषधि नहीं होती। इनके क्या होती है? ये आईयूडी क्या काम करती है? स्पर्म की भक्षकाणु क्रिया बढ़ा देती है। ये वाली आईयूडी जो है वो क्या काम करती है? स्पर्म की भक्षकाणु क्रिया, मतलब स्पर्म को मारने का काम करती है, या स्पर्म मरेगा नहीं तो उसको इतना कमजोर कर देंगी कि वो वहां ओवम के पास पहुंच भी जाए तो कोई काम का नहीं रहेगा। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है इसका, औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल क्या? लिपेज लूप। क्या एग्जाम्पल है? लिपेज लूप। दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है? कोपर मोचक आईयूडी। कोपर मोचक का मतलब क्या? रिलीज करना, ठीक है। तो ये क्या कोपर निकालेंगी? कुछ ऐसी आईयूडी क्या निकालेंगी? कोपर निकालती हैं, तो गर्भाशय में कोपर आयन रिलीज करती हैं। ये जो आईयूडी है क्या लगा दिया जाएगा? फीमेल जो उसको गर्भाशय में लगा दिया जाएगा, और ये क्या करेंगी? वहां पर कोपर आयन निकालती रहेंगी। कोपर आयन से क्या होगा? कोपर आयन से ये होगा कि कोपर आयन जब वो स्पर्म को क्या कर देता है? मार देता है, या फिर उसको कमजोर कर देता है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो गर्भाशय में कोपर आयन रिलीज करती रहती है, ये स्पर्म की गतिशीलता घटा देती है और उसे निषेचन करने की क्षमता जो है उसको कम कर देती है। एग्जाम्पल क्या है कोपर मोचक जो आईयूडीज का? एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कोपर टी, कोपर सेवन और मल्टीलोड 375। ये तीन एग्जाम्पल है किसके? कोपर मोचक आईयूडी के। कोपर टी है, कोपर सेवन CU7 है, और उसके अलावा मल्टीलोड 375 है। औषधि रहित का मैंने क्या बताया आपको? लिपेज लूप। उसके अलावा जो तीसरे प्रकार की जो आईयूडी वो क्या है? हार्मोन मोचक आईयूडी। मोचक का मतलब क्या है? रिलीज करना। ऐसी आईयूडी जो क्या निकालेगी? हार्मोन से निकालेगी। तो ये क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। क्या हार्मोन रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। इसे क्या होगा? गर्भाशय को भ्रूण रोपण यहां पर रोशन लिख दिया क्या मैंने? भ्रूण रोपण आएगा भाई, चलो उसको सही कर देते हैं। गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, ये लाइन आई एनसीईआरटी की एग्जाम में, कि ऐसी कौन सी आईयूडी है जो क्या करती है? गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए क्या बना देती है? अनुपयुक्त बना देती है। मतलब यहां पर ऐसा गर्भाशय को कुछ इस प्रकार का बना देती है कि भ्रूण जो है अगर बन भी जाए ना, अगर प्रेग्नेंट हो भी जाए कोई लेडी, तो क्या है जो भ्रूण बना है वो क्या होगा? वो उसका अंतरोपण नहीं होगा। तो उसके लिए क्या बना देती है? अनुपयुक्त बना देती है। कौन? हार्मोन मोचक जो आईयूडी है। क्या निकालती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। ये क्या करती है? गर्भाशय ग्रीवा को स्पर्म का विरोधी बनाती है, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या है? गर्भाशय ग्रीवा है। गर्भाशय ग्रीवा इसमें क्या है? इसमें क्या है? म्यूकस भर देगी। इसमें क्या है? म्यूकस भर देगी। हार्मोन मोचक आईयूडी जब ये लगा दी जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती रहती है, यहां पर क्या है? म्यूकस भर जाएगा। तो यहां पर जो स्पर्म जो है ये म्यूकस जो स्पर्म को आगे जा ही नहीं पाएगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। अंदर स्पर्म जाएगा नहीं तो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और मान लो अगर कोई स्पर्म आगे चला भी जाए, ठीक है, और यहां पर जो ओवम है उसके साथ मिल भी जाए, फर्टिलाइज कर भी दे, तो क्या होगा? उस गर्भाशय को जो है, गर्भाशय जो है अंदर से उसको क्या करना देगा? अनुपयुक्त बना देगा। किसके लिए? रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? प्रोजेस्टासर्ट एग्जाम्पल है, LNG20 एग्जाम्पल है, और एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद रख लेना, लेवोनोर्जेस्ट्रोल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेवोनोर्जेस्ट्रोल, ठीक बात है। तो ये तीन क्या है? तीन प्रकार की मोचक आईयूडी। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर देखे गए हैं इन तीन चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आसान है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो एग्जांपल से ये बीच की जो लाइन है यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है। तो एग्जांपल आपको याद में रखना है, उसी तरह लिपेज लूप, कोपर मोचक, कोपर सेवन, कोपर टी, और एक है मल्टीलोड 375। हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सा हो गया आपका? प्रोजेस्टासर्ट, लेवोनोर्जेस्ट्रोल और LNG20। चलो अब एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं।
औषधि हृदय आईओडी कौन से उदाहरण के रूप लिए क्या है, लिपेज लूप बता दिया मैंने अभी आपको ना। तांबा मोचक आईओडी कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 है बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तथा हार्मोन मोचक आईओडी कौन सी, प्रोजेस्टास्टेरोन है, LNG20, एक और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, लेओनोरजेस्ट्रोल, ठीक है। चलो, आईओडी गर्भाशय के अंदर कॉपर CU आयंस मोचित करती है और उसके कारण क्या है, क्या होता है, शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस जो उसको बढ़ा देती है, बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो क्या कॉपर आयंस रिलीज करती रहती है, इससे क्या होगा जो जो स्पर्म है उनकी क्या भक्षकाणु क्रिया जो बढ़ जाती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसके उनकी निषेचन करने की जो क्षमता है वो काम नहीं करती है ना, उनकी जो निषेचन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त आईओडी हार्मोन को गर्भाशय के भ्रूण में के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। जो हार्मोन मोचक आईओडी होता है क्या, वो क्या करती है, ऐसा हार्मोन निकालते हैं जिससे क्या होगा जो गर्भाशय उसको अनुपयुक्त बना देती है, किसके लिए, भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा उसको शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं, उसमें क्या है म्यूकस भर देते हैं, वो म्यूकस कैसा होगा शुक्राणुओं का विरोधी होगा, वो शुक्राणुओं को अंदर नहीं जाने देगा, अगर वो अंदर चले भी जाएंगे तो क्या होगा गर्भाशय जो वो अनुपयुक्त है, ठीक है। चलो, जो औरतें गर्भावस्था में देरी या फिर बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, गैप चाहती हैं, अंतराल मतलब गैप, उनके लिए आईओडी आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। चलो, यहां पर कोई दिक्कत है, एनसीईआरटी आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है। चलो, अब बात करेंगे अपन ओरल पिल्स, गोलियों की बात करेंगे। आज गर्भ निरोधक गोलियां इंग्लिश में कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं इनको, ठीक है, जो गोलियां ली जाती हैं महिलाओं के लिए होती हैं ये, ठीक है, पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए, महिलाओं खानी है गोलियां, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन या फिर ये किससे बनी होती है, ये जो गोलियां किससे बनी होती है, या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होंगी या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बनी हुई होंगी, या तो ये गोलियां सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई होंगी या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन दोनों को मिलाकर बनी हुई होंगी, ठीक है। तो ये गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं महिलाओं के लिए आती हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होंगी या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बनी हुई होंगी। ऐसी गोलियां जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई होंगी उनको क्या कहेंगे अपन, मिनी पिल कहेंगे, क्या कहेंगे, मिनी पिल कहते हैं। और ऐसी गोलियां जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है क्या कहते हैं अपन, कंबाइंड पिल कहा जाता है उनको, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये कृत्रिम होती है, मतलब ये जो प्रोजेस्टेरोन में यूज किया जाता है वो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, तो वो कैसा होता है, कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन होता है। कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन को क्या, कौन सा प्रोजेस्टेरोन होता है, कौन सा केमिकल होता है, वो लेवोनोरजेस्ट्रोल, कौन सा होता है, लेवोनोरजेस्ट्रोल, क्या है, कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन है। वहीं बात करें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होता, कौन सा होता है, इथिनाइल एस्ट्राडियोल, ठीक है, ये आपका इसमें एस्ट्रोजन जो यूज किया जाता है। 21 दिन लिया जाता है इन गोलियों को, 21 दिन लेना होता है, ठीक है, मतलब डेली आपको लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें से 25वें दिन लेनी है, भाई बाकी दिन क्यों नहीं लेनी, बाकी दिन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि उसमें क्या चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ब्लीडिंग चलेगी, है ना, ब्लीडिंग चलेगी, तो ब्लीडिंग के टाइम पे तो लेनी नहीं होती, बाकी टाइम लेनी होगी, 21 दिन इनको लिया जाता है, ठीक बात है क्या, यहां तक बातें समझ में आई, डेली इनको लेना है। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां इनको डेली ली जाती है, लेकिन एक गर्भ निरोधक गोली ऐसी है जिसको सप्ताह में एक बार ली जाती है, वीक में एक बार ली जाती है, आज ही बताया मैंने आपको, कौन सी है वो, सहेली है। वो कैसी होती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है। कोई इसका साइड इफेक्ट है क्या, नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किससे बनी होती है, सेंट क्रोमन से बनी हुई होती है। किसने बनाई, CDRI लखनऊ ने बनाई, ठीक बात है क्या। वो अंडोत्सर्ग को नहीं रोकती, उसमें ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन वो किसको रोकती है, अंतरोपण को रोकती है। वो क्या है, अगर निषेचन हो भी गया तो अंतरोपण नहीं होगा, बच्चा जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन गोलियों का कार्य क्या है, ये गोलियां क्या करती हैं, ठीक है, ये गोलियां करती क्या है, तो अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोकती हैं। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को, अंडोत्सर्ग को ही रोक देती हैं। ओवम बाहर नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको खराब कर देती हैं, जो गर्भाशय की जो अंदर वाली परत है, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर मानव जनन में, ठीक है, कि अंडाशय जो गर्भाशय जो है उसकी जो अंदर की वाली जो दीवार है उसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, उसको खराब कर देती हैं ये गोलियां। वो खराब हो जाएगी तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी तो अंतरोपण नहीं होगा, अरे बच्चा उसमें तो आगे फिट होता है ना, अंतरोपण नहीं होगा। चलो, जिसे अंतरोपण इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाती है, वो क्या है, वो दीवार खराब हो जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस में बदलाव, जो गर्भाशय ग्रीवा है उसका म्यूकस जो है उसमें बदलाव हो जाएगा तो यहां से स्पर्म जो है उसको जाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब की श्रवण क्रिया को रोक देती है, जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब थी, ठीक है, इसकी श्रवण क्रिया जो है इसको भी क्या है, रोक देगी। यहां पर कुछ फ्लूड जो सिक्रीट होता रहता है, फ्लूड जो निकलता रहता है, उस फ्लूड के साथ में बह के जो है अंडाणु आगे आता रहता है, तो यहां पर जो फ्लूड नहीं आएगा, वो पानी सा जो द्रव वही नहीं निकलेगा, तो जो है आपका अंडाणु जो वो आगे नहीं आ पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। चलो, अब यहां इसको पढ़ लेते हैं पहले। चलो,
महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। ठीक है, या तो प्रोजेस्ट्रोजन की गोलियां होंगी या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों को मिलाकर एक गोली बनेगी, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है, गोली के रूप में आएंगी। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है, टिकिया मतलब गोली। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय होती हैं। पिल्स आपने सुना होगा, अरे फिल्मों में सुना होगा आपने ना पिल्स, अब तो आप पढ़ भी लिया होगा ना। फिल्मों में जब भी कोई सीन ऐसा आता है कि भाई कोई घर दिखाया जा रहा है, कोई हीरो दिखाया जा रहा है, और उसके अगर कोई बेटी है 15-16 साल की बेटी दिखा दी फिल्म में, अगर दिखा दी वेब सीरीज में अगर दिखा दी, तो उसके बैग से ओरल पिल्स निकलना तो कंपलसरी है। ये सीन तो बनता ही है, हर फिल्म की बात है। ठीक है, तो ये ओरल पिल क्या है? वही यही गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ठीक बात है, चलो। हाँ, उसके स्कूल बैग से ओरल पिल्स निकलती हैं, उसकी मम्मी चेक करती है कि तेरे बैग में ओरल पिल्स क्या कर रही हैं। चलो भाई, गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन प्रतिदिन ली जाती हैं, बता दिया मैंने आपको, 21 दिन लेंगी लेनी होती हैं। इन्हें आर्तव चक्र महावारी के प्रथम 5 दिनों के में मुख्यतः पहले दिन से 25वें दिन तक इनको लेनी होती है। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद पुनः इनको वापस लिया जाता है। देखो एक मिनट, 5वें दिन से 25वें दिन तक लेनी है, फिर 7 दिन का गैप रखना है, ठीक है, ब्लीडिंग का, और उसके बाद में वापस इनको लेनी है, वापस कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो, जब पुनः ऋतुस्राव हो जाता है तो इनको वापस लेने, तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक गोलियां खाते रहो भाई। ठीक बात है। यह अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की म्यूकस की गुणवत्ता को खराब कर देती है, उसी गुणवत्ता को बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक लग जाती है, शुक्राणुओं के प्रवेश नहीं हो पाता अच्छे से, अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। वो जो उनकी भागने जो क्षमता है शुक्राणुओं की, वो गति जो है मंद हो जाएगी। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है। इनके प्रभावशाली तो होते हैं लेकिन ये साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, होते साइड इफेक्ट्स इन गोलियों के लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है, और औरतें इनको बड़े चाव से लेती हैं। ठीक है, खूब स्वीकार्य है। चलो, सहेली नामक एक नई गर्भ निरोधक गोली है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में ना, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। ये गैर स्टेरॉयडी है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल सामग्री से बनी हुई है। किससे? सेंट्रोमेन से। हर हफ्ते में एक बार ली जाने वाली, हफ्ते में एक बार लेनी होती है, 7 दिन से वीक में एक बार। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है और उच्च निरोधक क्षमता वाली है ये। ठीक है, स्त्रियों द्वारा किसने बनाई है आपको ध्यान में रखना है, सीडीआरआई लखनऊ ने बनाई है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टोजन अकेले, अब एक चीज और बता देता हूं कि ये तो गोलियों की बात हो गई, ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं, टीके भी आते हैं, टीके भी लगवाए जाते हैं। टीकों में क्या होगा, इंजेक्शन लगा लेते हैं, उसमें क्या होगा, वो भी प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टोजन का इंजेक्शन आएगा या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन आएगा। देखो, ये जो एक तो गोलियां हो गई, गोलियों में क्या आता है, वही या तो प्रोजेस्टोजन की गोली आ गई या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन की गोली हो गई, एक गोलियां हो गई। ऐसे इंजेक्शन भी आता है, गोली से इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या होगा, वही या तो प्रोजेस्टोजन का इंजेक्शन होगा या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का इंजेक्शन होगा। ठीक बात है, तो स्त्रियां द्वारा प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ मिलाकर संयोजन के टीके या त्वचा के नीचे अंत्रोप अभी बताऊंगा आपको, टीके के रूप में ले सकते हैं या फिर अंत्रोप के रूप में। अंत्रोप क्या होता है अभी बताऊँ, इंग्लिश में कहते हैं इनको इम्प्लांट्स कहते हैं, तो ये भी प्रोजेस्टोजन के होंगे या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होंगे। त्वचा के नीचे लगाया जाता है, ये क्या है, माचिस की तीली जैसे होते हैं ना, माचिस की तीली जैसे होते हैं, और यहाँ पर क्या है, त्वचा के नीचे लगाया जाता है ना, स्किन को थोड़ा सा यहाँ से कट किया जाएगा और उसके नीचे जो है इस इम्प्लांट को, इस संतरों को फिट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ये हार्मोन्स जो वो रिलीज करते रहेंगे और इनकी वैलिडिटी आती है, कोई 3 साल का अंतरूप आता है, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का अंतरूप आता है, तो उस हिसाब से अपन जिसको भाई चाहिए कि मेरे को प्रेगनेंसी इतने साल नहीं चाहिए, 3 साल के लिए मेरे को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए अवेलेबल है, 3 साल का अंतरूप लगवा लो, 3 साल तक वो फिट करवा लो, 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। किसी को 5 साल तक गैप चाहिए, 5 साल वाला लगवा लो, तो हर टाइप के वैलिडिटी वाले अवेलेबल हैं। तो 3 साल, 3 से 5 साल के लिए गर्भ निरोधक का काम करते हैं ये। चलो अभी एनसीईआरटी में वापस आ जाते हैं। इसका संयोजन टीके या त्वचा के नीचे अंतरूप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि को ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं ये, काफी लंबी अवधि 3 से 5 साल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है नोर प्लांट है ना, इसी इम्प्लांट ही होता है ये, नोर प्लांट भी क्या, इम्प्लांट ही, अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का होता है ये, सिलिकन की 6 कैप्सूल्स होते हैं, सिलिकन के 6 कैप्सूल्स होते हैं, इनको वहीं जो लेफ्ट साइड की जो अपराम है यहाँ पर, ये लेफ्ट हाथ है मेरा, यहाँ पर अपराम किसके महिलाओं में लगेगा, यहाँ नीचे लगा दिया जाता है, 5 साल की वैलिडिटी इसकी, लेफ्ट अपर आर्म की त्वचा के नीचे इसको लगाया जाता है। चलो, तो इंजेक्शन भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं और अंतरूप भी होते हैं। अब बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वो होता है कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो गया, गलती हो गई, लेकिन अब हमें क्या नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो क्या ऑप्शन है,
भाई एक तो गोलियां होती है वो तो क्या है आपको पहले लेनी पड़ेंगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले लेनी पड़ेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की, तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास में? अब आपके पास में ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उनके उसके अंदर भी गोलियां आती हैं, तो इसमें क्या है प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई गोलियां आएंगी इसमें भी, ठीक है। लेकिन उनको मैथुन के 72 घंटे के भीतर लेना होता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप टेबलेट ले लोगे काम बन जाएगा आपका, ठीक बात है। लेकिन ये जो है एडवाइस नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इसमें जो अगर किसी जब ये ली जाती है ये टेबलेट जो ली जाती है तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। ये जो टेबलेट ली जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वाली 72 घंटे के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स गया उसके बाद 72 घंटे में ले लो, इसमें क्या होता है ब्लीडिंग होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो अगर कोई लड़की ऐसी है, कोई महिला ऐसी है जिसकी हेल्थ बहुत पहले से वीक है और उसके बाद में अगर उसने ये टेबलेट ले ली तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती है। ये उन्हीं को रिकमेंड की जाती है जहाँ पर करना जरूरी ही है, ठीक है। जरूरी इन द सेंस मतलब किसी के साथ में भाई कोई रेप हो गया, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली नहीं लेनी चाहिए भाई, ऐसी कोई कंडीशन ही बन गई भाई आपको लेनी पड़ेगी अब तो फिर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हाँ पहले से दिमाग में है कि हाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया उसके बाद में हाँ 72 घंटे वाले ले लेंगे, नहीं ऐसे नहीं लेनी होती, ठीक है। इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है। एक आदमी मिफेप्रिस्टोन RU486 भी कहा जाता है इसको ना, मिफेप्रिस्टोन RU486 सिंगल पिल ट्रीटमेंट है, एक गोली लो काम खत्म, एक गोली लेते ही क्या हो जाएगा सारा काम ठीक हो जाएगा। क्या क्या होती है एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है, क्या होती है एंटी प्रोजेस्टेरोन। आप सबको मैंने बताया था, मैंने आपको मानव जनन जो पढ़ाया था कि P4 प्रोजेस्टेरोन P4 पकड़ के रखता है किसको, एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली जो परत है उसको पकड़ के रखता है, गर्भाशय की जो अंदर वाली परत है एंडोमेट्रियम उसको पकड़ के रखता है। तो ये क्या है एंटी प्रोजेस्टेरोन है, मतलब प्रोजेस्टेरोन से उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा तो क्या होगा जो अंदर वाली जो परत है वो पूरी टूट जाएगी, पूरी टूटेगी। जब वो टूटती है तो क्या होती है ब्लीडिंग होती है और ये बहुत हैवी ब्लीडिंग करवाता है, हैवी ब्लीडिंग करवाता है तो इससे क्या होगा अगर कोई हेल्थ खराब है तो उसको बड़ी दिक्कत हो सकती है, जान भी जा सकती है। चलो साइड इफेक्ट्स की बात करें, इनके साइड इफेक्ट्स हैं, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट हैं लेकिन साइड इफेक्ट बता देता हूँ। जी मिचलाना, पेट दर्द, ब्लीडिंग होती है, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं आजकल, आपको ब्रेस्ट कैंसर है इसके जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्यों यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक और इसमें साइड इफेक्ट बता देता हूं, कुछ महिलाओं के अंदर जो यूट्रस होता है गर्भाशय जो होता है उसके अंदर सिस्ट बनने लगता है, अगर उसको सिस्ट को टाइम पर नहीं दिखाया जाता तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, फिर तो क्या करना पड़ता है, फिर पूरी सर्जरी होती है और उसके अंदर क्या होता है गर्भाशय जो उसको निकाला जाता है बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है महिला से जो गर्भाशय उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। आपने सुना कि बच्चेदानी का ऑपरेशन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसके जो नाम है सही वो क्या हिस्टेक्टोमी कहते हैं इसको, है ना, इसकी सर्जरी कहते हैं, तो बच्चेदानी का गर्भाशय का ऑपरेशन, ठीक है। चलो अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग या आयोडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें बलात्कार एवं सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ना, बलात्कार मतलब रेप वाली कंडीशन में या फिर किसी से लापरवाही हो गई भाई, ठीक है, तो फिर ले लो वरना ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। चलो शल्य क्रिया विधियों की बात करेंगे, है ना, शल्य क्रिया विधि। अब आगे अपन ये तो हो गए सारे टेम्पररी मेथड, सारे टेम्पररी मेथड पढ़े, अब बात करेंगे अपन परमानेंट मेथड की, परमानेंट मेथड की बात करेंगे। चलो परमानेंट मेथड की बात करेंगे, पूरा एनसीईआरटी से ही करेंगे अब, आ जाओ परमानेंट मेथड की बात करते हैं, कहां रह गया ये, देखो ये अंतरूप ऐसे होते हैं, देखो मन नहीं देते ना माचिस के तीली जैसे होते हैं। चलो शल्य क्रिया विधियां, इसमें क्या सर्जरी करेंगे, क्या होंगे सर्जरी, जिन्हें बंधेकरण भी कहा जाता है पर्याय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, जिनको चाहिए भाई उनके लिए तो टेम्परेरी मेथड है, जिनको आगे नहीं करने बच्चा पैदा उनको क्या है ये करो भाई परमानेंट ट्रीटमेंट कर दो उनका। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं, पुरुष स्त्री दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों में से एक कोई भी यूज कर लो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी के इसे युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, इसमें क्या है युग्मक बनेगा, बिल्कुल बनेगा युग्मक बनेगा, लेकिन जो है युग्मक को बाहर नहीं निकल दिया जाएगा, अब बताऊंगा कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी ये डायग्राम को देख लो पहले, ये मेल के अंदर ऐसे की जाती है, फीमेल के अंदर ऐसे की जाती है, कैसे क्या है ध्यान से देखो, यहां पर क्या किया, ये क्या है वास डिफरेंस है, क्या है शुक्रवाहक, हिंदी में क्या कहते हैं वास डिफरेंस को, शुक्रवाहक, ये यहां से टेस्टिस से निकला शुक्रवाहक, ठीक है, ये यहां से निकला,
अब अगर किसी मेल के अंदर ये की जाती है, क्या वैसेक्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं वैसेक्टोमी, शुक्रवाही का उच्छेदन, हिंदी में क्या कहते हैं शुक्रवाही का उच्छेदन, इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टोमी, क्या होता है इसके अंदर, ये जो है यहां पर ये शुक्रवाह का वास डिफरेंस है, इसको क्या कर दिया यहां से देखो काट दिया, काट के क्या दोनों बांध दिया, देखो दोनों एंड जो है ये दोनों जो कोने हैं उनको बांध दिया, बीच से काट दिया। अब यहां पर स्पर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा, शुक्राणु यहां से बनेगा, इस पाइप से होता हुआ यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन यहां पर बीच में कनेक्शन ही काट दिया, बीच से कनेक्शन काट दिया तो फिर आगे वो जाएगा नहीं और यहां से बाहर शुक्राणु बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या बात। ऐसे ही इस टेस्टिस में किया, यहां से ये पाइप बीच से काट दी, वास डिफरेंस शुक्रवाही का बीच से काट दी, तो यहां से क्या होगा स्पर्म यहां बनेगा, बिल्कुल बनेगा स्पर्म, लेकिन आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो आगे जा नहीं पाएगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या है शुक्राणु बाहर नहीं आएगा, तो क्या शुक्राणु बाहर नहीं आएगा तो सीमन भी बाहर नहीं आएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, नहीं जी बाहर आता है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, सिर्फ सीमन बाहर आता है। क्या होता है उस सीमन में, मैंने आपको बताया था ग्रंथि बताई थी, कुछ ग्रंथियां बताई थी है ना, उन ग्रंथियों का सिक्रीशन, उनका स्राव सिर्फ निकलता है बाहर, यहां से उस स्राव में कोई शुक्राणु नहीं होता, क्यों, क्योंकि शुक्राणु का तो अपने कनेक्शन ही काट दिया, सिर्फ ग्रंथियों का क्या है स्राव बाहर आएगा, ठीक बात है। ऐसे ही बात करते हैं महिलाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर क्या कहते हैं इसको, फेलोपियन नली का उच्छेदन कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये नली का है, ठीक है, इसको क्या कर दिया यहां से काट दिया, बीच में कनेक्शन काट दिया और बांध दिया, ठीक है, ऐसे यहां से इसको काट दिया और बांध दिया। अब क्या होगा यहां पर जो अंडाणु जो ओवम है वो बनेगा, सॉरी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा यहां से और वो यहां तक आएगा आएगा, लेकिन यहां पर क्या कनेक्शन काट दिया, बीच से कनेक्शन नहीं काट रखा है, तो यहां से शुक्राणु भी मान लो अंदर आ गया, मान लो ये महिला है और इनके जो पतिदेव हैं उन्होंने क्या है कोई भी कुछ मेथड यूज नहीं किया, लेकिन महिला ने ये कर लिया, उनकी जो पत्नी है उन्होंने ये कर लिया, तो क्या होगा यहां से जो शुक्राणु है वो यहां तक आ जाएंगे, लेकिन यहां पर अंडाणु यहां पर है, यहां पर शुक्राणु आ गया, बीच में से कनेक्शन काट दिया, मिल नहीं पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक बात है क्या, तो दोनों में से एक करा लो, ठीक है, चलो इस प्रकार से ये क्या है शल्य विधि, परमानेंट हो गया ये, अब इसमें कोई वो छेड़छाड़ नहीं है, परमानेंट तरीका है बस। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है, इसमें क्या है प्रेगनेंसी नहीं होती है। बंधेकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाह उच्छेदन वैसेक्टोमी कहा जाता है तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी फेलोपी नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली आप इनको किस नाम से जाना जाता है, नसबंदी के नाम से, नसबंदी से कुछ याद आता है, क्या याद आता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना ही है भाई, मैं कौन सा उस टाइम पे था, ठीक है, कि उस टाइम पर जो हमारे देश की पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने उस टाइम जनसंख्या बढ़ रही थी तो उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया, ठीक है, आदेश क्या दिया कि भाई इस पर कोई रोक लगाओ, ठीक है, ऐसे जो मेरीज वाले ऐसे लोग हो गए जो शादी हो गई इनकी बच्चे पैदा हो गए उनको थोड़ा समझाओ कि बच्चे पैदा ना करें और उनकी क्या करो वैसेक्टोमी करवा दो, आदमी क्या करा दो वैसेक्टोमी करवा दो। अब उन्होंने तो कुछ ऐसा ही कहा होगा, ठीक है, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उनको गलत ले लिया उन्होंने, उनको लगा कि सबकी करनी है, उनको उन्होंने कहा कि जिनकी भाई बच्चे पैदा हो गए हैं उनको करो, ठीक है, ऐसा ही मैं मानता हूँ कहा होगा, लेकिन जो बच्चे हैं जो उनके बच्चे क्या बोलो उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको गलत ले लिया कि भैया सबकी करनी है, अब तो ना गाँव गाँव में कैंप लगाए, ठीक है, जो भी बाहर दिखा आदमी पकड़ा उसका और वैसेक्टोमी कर दी उसकी, पकड़ा, और ये ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती इसके अंदर, बहुत जल्दी प्रोसेस होती है ये वैसेक्टोमी की, ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती है ना, तो कोई बेचारा सब्जी लेने बाहर गया, घर से बाहर गया सब्जी लेने और आ गया नसबंदी करा के, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये जो है इसकी इसने बच्चे पैदा किए हैं या नहीं, कि इसकी इच्छा है या नहीं, ठीक है, उसे जबरदस्ती नसबंदी हो रही थी, 20 साल का बच्चा है उसकी भी नसबंदी करा दी, ठीक है, अब घूमता रहे फिर, ठीक है, तो इस प्रकार का काम भी हुआ है, तो इसलिए जस्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नसबंदी के नाम से जानते हैं, शुक्रवाह उच्छेदन से में अंडकोश जो स्क्रोटम है शुक्रवाह में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटते हैं, उसके बाद में छोटा सा भाग काट कर निकाल उसमें बांध दिया जाता है, यहां से एक छोटा सा चीरा मारेंगे और यहां पर क्या है ये बीच का भाग इसको काट देंगे और यहां पर इसको बांध देंगे, ठीक है, ये बात कही गई है यहां पर। ये तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो ये तो तकनीक है वो प्रभावशाली है, मतलब इससे प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, और कहीं अगर ये चाहे कि भाई अब तो उसने ये करवा ली ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी करवा ली, कल को कहे कि भाई मेरे को तो बच्चे पैदा करने हैं, मैं तो वापस सही करो इसको, तो वो सही होना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, यही बात इनसे लिखती है, उसकी गुंजाइश बहुत ही कम होती है, ठीक है, पूर्व स्थिति लाने की। यहां पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ के परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए, ये जितने भी गर्भ निरोधक है उनका जो उपयोग है वो शिक्षित
जो चिकित्सक के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी या फिर जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन में ही करना चाहिए, ठीक है। यही नहीं कि भाई कोई भी जो लाचार डॉक्टर है उसके साथ में लगवा दे चीरा, ऐसा नहीं करना है ना। चलो, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन एवं गर्भधान सगर्भता के विरुद्ध है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपस एक बार, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा मतलब आपको ये नहीं कि भाई जनन स्वास्थ्य रखना है तो मेरे को हमेशा गर्भ निरोधक यूज करना है, बच्चे पैदा करना है, ठीक है। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान से गर्भता का विरोध है ना। इनका क्या है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब आपको यूज करना है। अगर ऐसा नहीं कि भाई मेरे को जनन स्वास्थ्य बनना है तो मैं इनका यूज कर लूं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने की या देरी करने या फिर अंतराल रखने के लिए निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों को व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई ये सारी विधियां हैं, ठीक है, कॉन्डम्स हैं ज्यादातर वो यूज किए जाते हैं, तो इसे क्या कि जो जनसंख्या की वृद्धि वो यार रुकी तो है, ठीक है, रुकी तो है, ठीक है, यही बात एनसीईआरटी कर रही है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, ठीक है, उदरीय पीड़ा, ये मैंने आपको बता दी कि जीभ में चलाना, ठीक है, उदरीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द, बीच बीच में रक्तस्राव, ब्लीडिंग होना, ठीक है, अनियमित आर्तव रक्तस्राव, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, ठीक है, यहां तक कि स्तन कैंसर की बातें भी हो सकती हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दी ब्रेस्ट कैंसर। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाई ऐसा भी नहीं कि इनको पूरी तरह से छोड़ दो ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन इनको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, बच्चे हो ना पैदा करने इतने सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी कहते हैं इसको शॉर्ट में, सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सिंपल सी बात बता दूंगा आपको, होता क्या है इसमें, इच्छा अपनी इच्छा से भाई किसी फीमेल है उसको बच्चा नहीं चाहिए, सीधी बात है उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या करो, जाओ एमटीपी करवा दो, सिंपल। लेकिन आपको ये नहीं देखना कि लिंग नहीं देखना है कि भाई लड़की है लड़का, पहले ये नहीं देखना है, नहीं चाहिए जाके अबॉर्शन करवा दो, वो क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अपनी इच्छा से क्या जा रही है प्रेगनेंसी हुआ उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। उसके अलावा किसी के साथ में रेप हो गया, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई अगर वो फीमेल, तो उसके बाद में उसे क्या एमटीपी करवाई जाती है। अब यहां पर ये है कि एमटीपी जो है वो कब तक सेफ है, ये जो जो आपकी सगर्भता का चिकित्सा समापन जो कब तक सेफ है, वो 3 महीने तक ही सेफ होता है। अगर उससे ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या है, फिर आप उसको एमटीपी नहीं करा सकते, फिर मदर के जो जान जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या फिर स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन को प्रेरित करना, प्रेरित गर्भपात या फिर चिकित्सीय सगर्भता या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी शॉर्ट में इसको कहा जाता है, ठीक बात है। तो सारे नाम आपको याद रखना है, प्रेरित गर्भपात भी इसको कहा जाता है, ठीक है, चिकित्सीय सगर्भता समापन भी इसको कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी इसको एमटीपी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, पूरी दुनिया में कितने, 45 से 50 मिलियन, 4.5 से 5 करोड़ क्या होते हैं, एमटीपी होते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं पूरे विश्व के अंदर हर साल, कितने, 4.5 से 5 करोड़, ठीक है। अगर ये नहीं करवाया जाए तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी देखो, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है, मतलब पूरी जितनी प्रेगनेंसी हो रही है पूरी दुनिया में उसका 1/5 भाग जो है वो तो क्या करवाया जाता है, एमटीपी से हटवा दिया जाता है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में एमटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जनसंख्या को घटाने में एमटीपी की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर ये नहीं करवाई जाएंगी इतनी सारी तो फिर तो बच्चे कितने हो जाएंगे सारे, है ना, तो यहां पर जनसंख्या को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो है इसकी, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है, तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या फिर कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। इसमें यार भावनात्मक भी है, इमोशनल भी है, ठीक है, सोशल भी है, ठीक है, और धार्मिक भी है, इथिकल भी है, ठीक है, नैतिक भी रूप, नैतिक जो है सोच भी है इसमें, तो ये सारी चीजें हैं भाई। कोई इंसान इतना जुड़ जाए, उस भूण से इतना जुड़ जाए, इमोशनल हो जाए, इमोशनल अटैच हो जाए कि भाई मेरे को तो नहीं करवानी है एमटीपी, मदर करवाना चाहती है, फादर नहीं करवाना चाहता मान लो, ठीक है, इमोशनल भी है, सोशल भी है इसमें कि, और धार्मिक भी है, कुछ धर्म में ये मानना कि यार बच्चे को एक वो जीव तो बन ही गया है उसको मारना सही नहीं है, ठीक है, उसके अलावा नैतिक भी है, एथिकल भी है, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये बहस चल रही है कि इसको कानूनी रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए एमटीपी को या नहीं करना चाहिए,
ठीक है, किसी आप एक जीव को मार रहे हो, अभी वो जीव बना नहीं लेकिन जीव को मार रहे हो, बनी जाएगा वो जीव तो, ठीक है, हृदय बन जाता है उसका, हृदय तो बनी जाता है पहले महीने में, तो उसको मार रहे हो तो वो क्या सही है या नहीं है, तो उस पर बहस चल रही है। लेकिन भारत में ना भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 1971 में क्या कर दी, कानूनी स्वीकृति इसको दे दी एमटीपी का, वो कानूनी लीगली करवा सकते हो लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस पर मतलब ये इस पर इस चीज पर प्रतिबंध लगा, जैसे मैंने आपको उल्ब वेदन के अंदर बताया था, एमनेस्टी इंडस्ट्रीज के अंदर बताया था कि मादा भ्रूण हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए, लिंग जांच करके आप एमटीपी नहीं करवा सकते, लिंग जांच नहीं कर सकते, आपको सिर्फ भ्रूण नहीं चाहिए, आपको बच्चा नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाओ एमटीपी कराओ, लेकिन आप भ्रूण जो है उसको जांच नहीं कर सकते। चिकित्सा सगर्भता समापन क्यों, निश्चित तौर पर बताऊं मतलब अनचाही प्रेगनेंसी, ठीक है, उससे मुक्ति पाना ही है, ठीक है, फिर चाहे वह लापरवाही से हो या फिर असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या फिर मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों का असफल रहने, जो कुछ गर्भ निरोधक ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, ठीक है, उपायों का असफल रहने पर या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो, तो इस प्रकार से इतनी सारी प्रेगनेंसी हो जाएंगी कि मेरे किसी को नहीं चाहिए वही बच्चा, तो वो क्या करवा सकता है, एमटीपी करवा सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जैसे जांच सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है कि भाई आपने सुना होगा फिल्मों के अंदर कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर माँ को बचा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कि अगर ये बच्चा जन्मा तो माँ की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जहां पर अगर बच्चा जो है उसको डेवलप होने दिया गया तो वहां पर मदर की डेथ हो सकती है, तो इसलिए क्या करते हैं वहां पर एमटीपी करवा देते हैं ताकि मदर को बचाया जा सके, ठीक बात है, चलो कि भाई वो दुनिया में आया नहीं है अभी, ठीक है, वो तो पता नहीं कब आएगा, जो जीवित है उस इंसान को तो बचाओ, इसलिए उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है किसे, एमटीपी से। सहगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सहगर्भता के 12 सप्ताह तक इस ये अवधि जो है कराया जाने वाला चिकित्सीय सहगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह मतलब 3 महीने तक इसको सुरक्षित माना जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है, अगर 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया तो उसके बाद में ये क्या होता है, संकटपूर्ण होता है, इसमें खतरा हो जाता है कि मदर की डेथ हो सकती है, इसलिए क्या है ज्यादा सेफ किसमें 3 महीने तक ही माना जाता है ना। इस बारे में एक सबसे अधिक जो परेशान करने वाली ये बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित है बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो एमटीपी वो कौन करवा देते हैं, गाँव में कोई भी करवा देता है, अरे गाँव सिर्फ गाँव में ही ऐसा होता है ना, गाँव में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी डॉक्टर ऐसे करवा ले गए उसको साथ में और एमटीपी करवा दी, जिसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, जबकि उनके पास में वो तो होता है एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी कह रही है कि कोई भी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर से नहीं करवाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स से जिनके पास प्रॉपर डिग्री है एक मेडिकल कॉलेज से करवाना, ठीक है, जो एक्सपर्ट नर्सेस हैं उनसे करवाना, ठीक है, चलो। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु को के लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेदन का दुरुपयोग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, यह प्रवृत्ति शहरों शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है, बहुधा ऐसा देखा गया कि यह पता चलने की पर कि भ्रूण मादा है एमटीपी कराया जाता है, कि अगर मादा हुई तो एमटीपी करवा देते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन के बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श जो सेवाएं हैं, ठीक है, को देने तथा गैरकानूनी रूप से कराए जाए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ में लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई एमटीपी आप कराओगे तो उसमें जान भी जा सकती है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया कि भाई हम तो एमटीपी करवा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, अगर गलती से होगा तब जाके एमटीपी करवानी है ना, ऐसा नहीं कि भाई पहले से सोच के एमटीपी करवा दी है ना, तो एक गलत चीज़ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए, आगे बात करेंगे अपन यौन संचारी जो रोग है उनकी बात करेंगे, आ जाओ भाई, बस लास्ट टॉपिक, इसके बाद में एक टॉपिक और है फिर खत्म हो जाएगा। यौन संचारित रोग, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित हो उसको क्या कह देंगे, यौन संचारित रोग कह देंगे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो फैल रहा है उसको क्या कहेंगे, यौन संचारित रोग। उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग एसटीडी कहा जाता है या फिर रतिज रोग वीडी वेनरल डिजीज कहते हैं, हिंदी में रतिज रोग, इंग्लिश में इसको वीडी वेनरल डिजीज कहते हैं, अथवा जनन मार्ग आरटीआई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण कहा जाता है, सुजाक गोनोरियो सिफिलिस हर्पीस जेनेटिक परिसर्प जेनेटल हर्ब्स कहते हैं इसको, ठीक है, और
क्लेमीडियता, ट्रोकोमोनियासिस लैंगिक मस्से, ठीक है, यकृत शोथ बी, इसको हिपेटाइटिस बी कहते हैं, ठीक है, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी एड्स, यार आज मैं आपको बताऊं, आज 1 दिसंबर है और आज एड्स डे भी है, ठीक है, आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सब के साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे एड्स के बारे में ना। अब यहां पर आपको मेन बात जो याद रखनी है वो बताऊंगा थोड़ी देर में ना। यहां पर ये सारी डिजीज के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये एसटीडी कहते हैं इसको, उसके अलावा रतीज रोग कहा जाता है, इसके अलावा जनन मार्ग संक्रमण भी इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से रोग है, सुजाक है, सिफिलिस है, हर्पीस है, ठीक है, जननिक परिसर पर जिसको जेनेटिक हर्पीस कहा जाता है, ठीक है, और आपका जो क्लेमाइडोसिस है, ट्रेकियोमोनियासिस है, ठीक है, और लैंगिक मस्से हैं, ठीक है, उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी है, ये एड्स है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, सारी बीमारियों का नाम याद रखने हैं। इनमें इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी के संक्रमण, और एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयां, टीकों, शल्य क्रियाओं के औजारों तथा संदूषित पदार्थ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से जो उसके गर्भ शिशु में संचालित हो सकते हैं। तो आपका हिपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया, ये कैसे फैल सकते हैं, किसी से भाई एक ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये होता है ना, इंजेक्शन वाले ड्रग लेते हैं, इंजेक्शन से लेते हैं, अपने दोस्त को दे दिया उसी इंजेक्शन से अपने घुसेड़ दिया, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो फ्यूज हो गया उनका, और उससे क्या हो जाएगा, जो है ये रोग फैलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्टर साहब ने एक की सर्जरी करी और दूसरे को भी वही चिपका दिया, तो क्या होगा, समझ में आई बात, इससे फैलता है। किसी ने ब्लड जो ट्रांसफर करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो क्या होगा, अगर मैचिंग ढंग से नहीं करी, और मैचिंग तो कर ली मान लो आपने, और उस ब्लड को ढंग से देखा नहीं, उसमें कोई एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस बी था उस पहले इंसान के, और वही आपने दूसरे इंसान को, तो स्वस्थ व्यक्ति के क्या चला गया, वो एचआईवी चला जाता है। कोई मदर है, उसका एचआईवी एड्स है या फिर हेपेटाइटिस बी है, तो उसके बच्चे के अंदर भी वो एचआईवी एड्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो, यकृत शोथ बी मतलब हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। अभी मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको ये पता होनी चाहिए, ये मत बोलना, एचआईवी, जेनिटल हर्प्स, और उसके अलावा एक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ये तीन ऐसे हैं जो क्या है, इनका कोई इलाज नहीं है, इसलिए लिखता हूं, पूरी तरह ठीक नहीं है, नॉन क्यूरेबल, ठीक है, मतलब इनका इलाज है जिससे क्या है, अपनी आपकी जिंदगी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह इन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी है, एचआईवी है, जेनेटल हर्ब्स है, और हेपेटाइटिस बी है, ये क्या है, नॉन क्यूरेबल है, इनसे इंसान की जो जिंदगी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता पूरी तरह, ठीक है। तो ये तीन ऐसे क्या है, एसटीडी है। चलो भाई, बशर्ते इनकी इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उनके उचित ढंग से पूरा इलाज किया जाए। अगर इनको शुरुआती स्टेज में अगर इनको पकड़ लिया जाए ना, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स, इनको अगर शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया जाए तो इनको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इनका पूरी तरह इलाज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, तो लोग इन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, जो कि जननी क्षेत्र, गुप्तांग में खुजली, बहुत नॉर्मल होती है ऐसे ना, तो ये मतलब सबको ही रहती है, तो इसलिए सबके थोड़ा ना एचआईवी हो गया, नहीं, तो ये इसलिए ऐसे लक्षण भी ऐसे हैं जो सबके रहते हैं, नॉर्मल है, इसलिए क्या पता नहीं लगता, स्टार्टिंग जो फेज होता है उसमें पता नहीं लगता, तो बहुत टाइम निकलने के बाद पता लगता है कि भाई इसको तो एचआईवी या हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। गुप्तांग में खुजली, तरल शराब आना, हल्का दर्द होना, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी होती हैं, जो अगर ऐसी स्त्रियां जिनमें संक्रमण है तो वो उनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देगा, लक्षण आएगा ही नहीं उनमें, है ना, तो पता कैसे चलेगा, लक्षण नहीं आएगा तो उनको पता ही नहीं लगेगा भाई कि मेरे को रोग भी हो गया। अलक्षणी हो सकती है, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चलेगा, भाई लक्षण कोई बीमारी का दिखेगा नहीं, तो इंसान सोचेगा मैं स्वस्थ हूं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचरित रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उसके उपचार को रोकता है, उपचार से रोकता है। भाई एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो जितनी भी जो यौन संचारित रोग है इनका पहले पता नहीं लगता, इनको कोई लक्षण नहीं आता, लक्षण नहीं आता तो भाई इंसान को लगे मैं स्वस्थ हूं, उसके अलावा किसी को पता लग भी जाए तो वो समाज के डर से नहीं, भाई इसके तो एड्स हो गया, ऐसी बातें फैल जाएगी, पता इसको एड्स हो, पता है तुझे इसको एड्स हो, ऐसी बातें फैल जाएंगी, तो इससे डर, इस डर की वजह से क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा,
ठीक है, डॉक्टर के पास में नहीं जाएगा तो किसको बताएगा नहीं, तो बताएगा नहीं लंबे टाइम तक बात निकल जाएगी और उसके बाद में जो है उसको मरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए डरना नहीं है, डॉक्टर के पास में जाना है, ठीक है। चलो इनसे बचाने का बताएंगे, आगे बात करेंगे। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि सोथज रोग, ठीक है, पीआईडी, ठीक है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। गर्भपात, बार बार मदर का, मदर है प्रेग्नेंट तो हो रही है जो लेडी है, एचआईवी अगर है, उसके कोई यौन संचारित रोग है तो प्रेग्नेंट तो हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर बार बार अबॉर्शन होने लग जाएंगे, ठीक है, बार बार उसका अबॉर्शन, बच्चा जो मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। मर्त शिशु, बच्चा जन्मा है लेकिन मर्त जन्मा है, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जन्म, मर्त जन्म, मर्त शिशु का जन्म होगा। अब स्थानिक संगर्भता, प्रेगनेंसी हो गई लेकिन प्रेगनेंसी जो बच्चा अंतरोपण होना था वो सही जगह अंतरोपण ना हो गया, दूसरी जगह अंतरोपण हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, अब स्थानिक संगर्भता कहते हैं। बंध्यता, ऐसे जो फीमेल होती है उनके क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है, ऐसे मेल के अंदर जिनके अंदर ये रोग हो गया तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है, उनके अंदर जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। यौन संचारित रोग स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, ठीक है, स्वस्थ समाज है उसके लिए यौन संचारित रोग खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्थाओं में जान, इनकी पहचान तथा रोग के उपचार को जन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है, ठीक है, इसलिए लोगों इनको लोगों को अवेयर करने के लिए इनकी बातें की गई हैं। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। भाई ऐसा नहीं कि किसी भी एज में हो सकते हैं, 70 साल के आदमी को भी हो सकती है, 50 साल के आदमी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो देखी गई है वो कहां पर देखी गई है, 15 से 24 साल की जो उम्र होती है ना उसमें ये जो है रोग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, दिक्कत ये होती है कि वो एज होती है जवानी वाली, ठीक है, और उसमें जो है गलतियां होती हैं, अभी बताऊंगा कौन सी गलतियां होती हैं, अभी आगे बात करेंगे, है ना। तो इनकी घटनाएं बहुत अधिक जो है संख्या में दर्ज की गई, किसमें, 15 से 24 साल की, इस आयु वर्ग में जिससे आप भी आते हैं, भाई मैं भी इसी आयु वर्ग में हूं और आप भी इसी आयु वर्ग में हैं, ठीक है, 15 से 24 साल वाली एज में ही हम हैं, ठीक है, आप और हम दोनों इसी एज में हैं, लेकिन घबराइए मत, ठीक है, हम हैं लेकिन घबराइए मत। इसे बचाव का उपाय है, क्या उपाय है भाई, ध्यान से देखो, आपके हाथों में है इसका उपाय, ठीक है, आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि 15 से 24 साल की एज में ही आप और मैं हैं, लेकिन घबराना नहीं है हमें, क्या करना है हमें, घबराना नहीं है, इसका बचाव जो आपके हाथों में ही है, ठीक है, आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। अब मैं कुछ तीन नियम दे रखे, वो तीन नियम आपको और मेरे को फॉलो करने हैं और हम बच जाएंगे इस चीज से, किससे बचेंगे, यौन संचारित रोगों से हम बच जाएंगे। वैसे तीन तरीके हैं, तीन जो रूल्स हैं वो आपको और मुझे अपनी जिंदगी में फॉलो करने हैं। कौन कौन से, पहला देखो, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, यौन संबंध नहीं बनाने हैं, पहली बात। उसके अलावा बहुत अधिक लोगों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक बात है। देखो आज देखो डिजिटल का जमाना है, ठीक है, और आजकल वो चल रहे हैं ऐप, चल रहे हैं टिंडर, बंबल, ठीक है, और इन पर लोग जो है वो डेटिंग वेटिंग पर लगे हुए हैं, ठीक है, आप भी लोग अगले साल, अब तो गांव में बैठे हुआ है ना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, शहरों में जाओगे, और शहरों में काफी चल रहा है भाई, काफी चल रहा है ना, गाँव में तो नहीं चल रहा अभी, बंबल टिंडर शहरों में काफी चल रहा है। क्या होता है यहाँ पे, डेटिंग होती है, डेटिंग के नाम पे क्या होता है भाई, डेटिंग तो अच्छी बात है ना, लोग प्रेम भाव से कर रहे हैं, नहीं नहीं क्या कर रहे हैं वो, हुकअप्स, एक नया टर्म आ गया आजकल, हुकअप में करते क्या है, बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी बातें। हुकअप में होता क्या है भाई, उनको सिर्फ फिजिकल नीड्स होते हैं कि भाई लड़का को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनका अटैचमेंट है, इमोशनल है, कोई मतलब नहीं है, ना जान पहचान, कोई मतलब नहीं है कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कोई पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है, किस परिवार से, अरे कोई मतलब नहीं, उनको बस बातें करी, बस उनको सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए, सेक्सुअल नीड्स के लिए वो फिर क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं ऐसे डेटिंग एप्स पर मिलके रेंडम किसी भी लोग से, ठीक है। तो अब अनजान व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता आपको, ठीक है, कितने लोगों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसने, कोई आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार के जो कल्चर है ना, इसमें क्या होता है, ये जो रोग है इनका बढ़ावा होता है। अब आप कहोगे भैया कॉन्डम्स तो अवेलेबल है, अरे तो सिर्फ कॉन्डम्स के सारे थोड़ा ना बच जाओगे, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, इसलिए जो है अनजान लोगों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, पहली बात अपने दिमाग में मैंने बैठा ली है, आप भी अपने दिमाग में बैठा लो। दूसरी जो बात है वो क्या है, बहुत लोगों के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने हैं, एक पार्टनर, ठीक है। चलो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल यह है, मैथुन के समय सदैव
कोंडम का इस्तेमाल करें, कोंडम का इस्तेमाल हमेशा करना है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, तीसरा रूल ध्यान में रखना, ठीक है। यदि कोई आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं, ठीक है। तीसरा जो तरीका वो क्या है, अगर ये काम कर लिया आपने भाई, कोई भी व्यक्ति के साथ में नहीं किया, ठीक है, सारा काम, अगर मान लो आपने हो गई गलती जवानी में, तो फिर क्या करना आपको, अगर एहसास हो गया कि भैया हमारी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास उसी टाइम भग जाओ, और अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई तुझे तो ये बीमारी है तो इलाज पूरा ले लो उसका, बस यही तरीके हैं भाई, एनसीईआरटी यही तरीके बताती है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बंधेता। बंधेता क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं, ऐसे कपल्स जो बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, ठीक है। तो क्या भैया किसको बोल सकते हैं अपन बंधेता, इनफर्टाइल कपल किसको बोल सकते हैं, ऐसे कपल जिनके अंदर बच्चा नहीं हो, ठीक है। तो क्या उनको कह सकते हैं क्या, जिनकी शादी हुई है, एक महीने पहले शादी हुई है और अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उनको क्या कह सकते हैं अपन, इनफर्टाइल कह सकते हैं, नहीं कह सकते जी भैया। ऐसे कपल को कह सकते हैं जिनकी एक साल पहले शादी हुई थी, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो क्या उनको क्या कह सकते हैं अपन, इनफर्टाइल कपल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। देखो इनफर्टाइल कपल अपन तब कहेंगे जब तीन साल तक या फिर 3 से 5 साल तक लगातार, ठीक है, कंटिन्यू क्या है, बिना किसी प्रोटेक्शन के, जितनी अपन प्रोटेक्शन पीछे बात करी, गर्भ निरोधक की बात करी, कोई गर्भ निरोधक वो यूज नहीं कर रही, ठीक है, और नॉर्मल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लगातार, ठीक है, उसके बाद में भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ऐसे कपल्स को अपन क्या कहेंगे कि वो क्या है, इनफर्टाइल है, ठीक बात है, उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भाई एक साल पहले शादी हुई थी अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ तो इनको इनफर्टाइल है, ना इनफर्टाइल नहीं है वो, इसमें 3 से 5 साल का, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो बंधेता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत सी दंपति बंधे हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास, उन्मुक्त या फिर असुरक्षित मतलब अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी बात हो रही है, सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। इनके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक जन्मजात हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, रोगजन्य हो सकते हैं, औषधि प्रतिरक्षात्मक और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ठीक है। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने पर दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, पता ये बात तो सबको, ठीक है, बच्चा नहीं पैदा रहा हमारा लड़का तो सही है, इसमें कमी है, ठीक है, तो स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि महिला में ही है और जरूरी नहीं पुरुष में ही है, दोनों में किसी में भी हो सकती है भाई, किसी एक पर ब्लेम डालना ठीक नहीं है, ठीक है, और ब्लेम डालना ही क्यों यार, अगर ऐसी दिक्कत आती है सीधा डॉक्टर के पास जाओ ना, इलाज कराओ, ब्लेम क्यों देना एक दूसरे को, ठीक है। यह समस्या पुरुष साथी के भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, बंदे क्लिनिक, ठीक है, आप सभी देखते हो टीवी में ऐड, आपके यूट्यूब पे, मोबाइल में, हर जगह ऐड दिखता है, अखबारों में ऐड, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, सब ऐड देखे, बस वही है, ठीक है। निदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद हो सकती है। फिर भी यहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। देखो बहुत सारे जो तरीके ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें उनकी हेल्प की जा सकती है, भाई डॉक्टर के पास जाओ तो वो कुछ दवाइयों से, कुछ ऐसे तरीकों से इलाज कर सकते हैं ताकि आप नॉर्मली बचा कर पैदा कर लो, लेकिन कुछ कंडीशन रहती होती है, कुछ कैपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर भाई दवाई से काम नहीं बात नहीं पड़ेगी, तो उनके लिए कुछ अलग टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स से वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक बात है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, सब चीजों की सॉल्यूशन है आजकल, ठीक। चलो भाई ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहते हैं इनको, आर्ट कहते हैं, ठीक है, ERT कहलाती है इनको, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, अब एक एक की बात करेंगे, कुछ टेक्निक्स हैं इनकी बात करेंगे। पहला टेक्निक है पात्रे निषेचन। अब कुछ टेक्निक्स हैं, देखो दवाई से ठीक नहीं हुआ काम, अब कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके अंदर दवाई से ठीक नहीं हुआ, तो उन कपल्स को कुछ टेक्निक देनी पड़ेगी, उन टेक्निक को क्या कहते हैं अपन, यही कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, शॉर्ट में आर्ट कहते हैं, ERT, ठीक है। चलो पहले ये पात्रे निषेचन क्या है, पात्रे निषेचन इसको कहते हैं IVF, क्या कहते हैं IVF, आपने ऐड देखे होंगे IVF के, तो फुल, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन होगा, ठीक बात है, ध्यान से सुनो, पात्र निषेचन क्या, टेस्ट ट्यूब में करेंगे अपन, है ना, पात्र में करेंगे। इसके अंदर होता क्या है कि शरीर जैसी कंडीशन, शरीर के अंदर जैसे निषेचन होता है गर्भाशय के अंदर, जिस प्रकार की कंडीशन होती है उस प्रकार के जैसे निषेचन होता है, वैसे ही कंडीशन अपन लैब के अंदर बनाएंगे और लैब के अंदर बाहर निषेचन अपन करवाएंगे, इसके अंदर, किसके अंदर, IVF के अंदर। तो इसके अंदर क्या करता है, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी क्या है स्थितियों में क्या है निषेचन करवाएंगे, ठीक बात है, के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, भ्रूण स्थानांतरण,
ठीक है, ईटी, ईटी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। ऐसा एक उपाय हो सकता है इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अपन ने क्या किया भाई, ध्यान से सुनो, इस पात्र निषेचन के अंदर क्या किया अपन ने, मेल पार्टनर से क्या ले लिया अपन ने, शुक्राणु ले लिए, फीमेल से क्या ले लिया, अंडाणु ले लिया। अब वो नेचुरली नहीं कर पा रहे थे बच्चा, लेकिन उनके अंदर ये बन रहे थे मान लो, तो मेल से अपने शुक्राणु लिया, फीमेल से अपने अंडाणु ले लिया। फिर अपने क्या किया, दोनों को अपने लैब के अंदर आपस में मिला दिया, शुक्राणु और अंडाणु को, कैसी स्थिति रखी, गर्भाशय की जैसी स्थिति थी वैसी अपने स्थिति रखी, कंडीशन वैसी रखी, दोनों को मिलाया, क्या बना, जाइगोट बना, युग्मनज बना, भ्रूण बन गया। उस भ्रूण को अपने क्या किया, फिर ट्रांसफर कर दिया, भ्रूण अपने बाहर बनाया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, कहां पर ट्रांसफर कर दिया, जो फीमेल थी उसके गर्भाशय में अपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अरे दिक्कत यह आ रही थी कि उनके अंदर बस नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, तो अपने थोड़ी सी हेल्प कर दी उनकी, क्या हेल्प करी अपने, मान लो मेल पार्टनर के अंदर एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों को मिलाया, बाहर मिला दिया, स्पर्म और ओवम को भ्रूण बना दिया, और फिर उस भ्रूण को क्या कर दिया, गर्भाशय के अंदर फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वह वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा पैदा करो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलो। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं इसको, है ना। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का दाता पत्नी या फिर दाता स्त्री, दाता स्त्री मतलब ऐसी फीमेल डोनर है, ठीक है, या तो पत्नी के अंदर अगर अंडाणु बन रहे हैं तो भाई पत्नी का अंडाणु ले लो, अगर मान लो पत्नी के अंदर कोई दिक्कत है, उसके अंदर अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो डोनेट करती हैं अपना ओवम, है ना, उनको कहते हैं डोनर स्त्री या फिर दाता स्त्री, ठीक है। आपने विक्की डोनर नाम से एक फिल्म देखी होगी आयुष्मान खुराना की, उसमें वो क्या है, स्पर्म डोनेट करता है, स्पर्म डोनर है वो, ठीक है। अगर आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, ठीक है, कौन सी, गुड न्यूज, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ इस प्रकार का ही मामला हुआ था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला काम हुआ था उसके अंदर, एक दूसरे के स्पर्म जो है वो एक्सचेंज हो गए थे, दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार के, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता है, ठीक है। तो वो क्या है, दाता स्त्री का मतलब क्या है, या तो फीमेल जो है, जो पत्नी है उस, वो अगर ठीक है तो उसका अंडाणु ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे उसका अंडाणु, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो क्या करेंगे, दाता स्त्री जो डोनर फीमेल है उसका अंडाणु लेंगे, ठीक है। तो पत्नी या फिर दाता स्त्री के अंडे को अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में आपस में मिलाएंगे। देखो दो कंडीशन है, पत्नी ठीक है, पुरुष में दिक्कत है, तो क्या करेंगे, पत्नी का अंडाणु ले लिया अपन ने, पुरुष पति पति में दिक्कत है, तो दूसरा पुरुष जो है उसका शुक्राणु लिया अपन ने, जो दाता डोनर है, शुक्राणु ले लिया, महिला का अंडाणु ले लिया, दोनों को मिला दिया, काम बन गया अपना। अब मान लो पति ठीक है, पत्नी में दिक्कत है, पत्नी अंडाणु नहीं बना पा रही, तो क्या करेंगे, पति का बने शुक्राणु ले लिया और पत्नी में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, दूसरी जो स्त्री है, जो दाता स्त्री जो है, डोनर जो फीमेल है, उसका अपने अंडाणु ले लिया और लैब के अंदर दोनों को आपस में अपने मिला दिया, ठीक बात है। प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में क्या करिया, युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया, युग्मनज बन गया, युग्मनज या फिर प्रारंभिक जो भ्रूण है, आठ ब्लास्टोमीयर तक जो प्रारंभिक जो भ्रूण है उसको फिर कहां डाल देंगे अपन, भ्रूण बन गया कितना, आठ ब्लास्टोमीयर तक का, फिर अपन उसको उठाएंगे और कहां डाल देंगे, फिलोपियन ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही हुई, फिलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब फिलोपियन ट्यूब से वो कहां जाएगा, भ्रूण में आएगा और भ्रूण में आगे दीवार में चिपक जाएगा, अंतरोपण हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी, मजे वाली बात होगी, ठीक है। फेलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी फेलोपिया स्थानांतरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को अपन ने कहां डाला है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, इसलिए क्या कह दिया, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, चलो। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमीयर से अधिक हो गया, अगर कोई भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमीयर से ऊपर हो गया तो उसको ऊपर कहां करेंगे, अब उसको फिलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं भेजेंगे। देखो अगर भ्रूण अपन ने लैब के अंदर बनाया, अगर वो भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमीयर तक का है ना, तब तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे अपन, फीमेल जो है, जो पत्नी है उसके फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर जो भ्रूण है वो अगर बड़ा हो गया है, 8 ब्लास्टोमीयर से ऊपर का हो गया, तब अपन उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फिर अपन डायरेक्ट गर्भाशय में भेज देंगे उसको, ठीक बात है। तो अगर 8 ब्लास्टोमीयर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, डायरेक्ट गर्भाशय में भेजेंगे, फिलोपियन ट्यूब में नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, नाम सुनकर इंट्रा यूटराइन, यूटराइन किसको कहते हैं, यूट्रस को, यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, आईयूटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन इन वीवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन में से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। अब सुनो, जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है, ठीक है, उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, ठीक है, जीव निषेचन इन वीवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कोई भाई ऐसी स्त्री है जिसके अंदर क्या है, गर्भधारण, वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है,
कंसीव कर लेती है, लेकिन जो वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा नहीं पाती, 9 महीने वो रख नहीं सकती, तो उसके लिए क्या है, सरोगेट मदर्स को यूज करो भाई, ठीक है। वहां से जो पति और पत्नी जो है उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, स्पर्म और ओवम आपस में मिल भी गए, फिर अपने क्या किया, जायगोट को अपन ने उस फीमेल से बाहर निकाला, दूसरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब बच्चा है उनका, लेकिन पलेगा किसने, दूसरी महिला के गर्भाशय में पलेगा, ठीक है। चलो, ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उसके लिए उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है, जिसमें इसमें दाता को अंडाणु लेकर स्त्रियों के फेलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर अंडाणु नहीं बनता, लेकिन उनके जो पुरुष हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनके जो पति हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो पत्नी जो उसके अंदर अंडाणु नहीं बनता, तो अपन क्या करेंगे, दाता महिला अपन ने ली, ठीक है, डोनर जो स्त्री है उससे क्या अपन ने अंडाणु लिया, अंडाणु को इंजेक्शन में भरा और कहाँ डाल दिया अपन ने, जो पत्नी थी उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको अंडाणु को भेज दिया, अंडाणु हो गया, फीमेल के अंदर आ गया, कमी यही थी क्योंकि उनके कपल के अंदर दिक्कत कोई नहीं थी, बस ये थी कि अंडाणु नहीं बन रहा, अंडाणु अपन ने दूसरी महिला का डाल दिया वहां पे, तो क्या होगा, दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, स्पर्म जाएगा, शुक्राणु जाएगा पति का, और जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी पत्नी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो इस ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो निषेचन है और भ्रूण परिवर्धन के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, भाई उनका गर्भाशय बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ दिक्कत यह कि अंडाणु नहीं बन रहा, तो इसे अपन टेक्निक यूज कर सकते हैं, वहां पर वातावरण प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए अन्य तरीका अपनाया जा सकता है, इसमें दाता अंडाणु लेकर उन स्त्रियों को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, इसको कहते हैं गिफ्ट, ठीक है, GIFT, ठीक है, GIFT गिफ्ट कहते हैं, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, गेमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। चलो, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिक शुक्राणु निक्षेपण आईसीएसआई, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, आप बोलेगा कि आ रहा नहीं है इसको, अरे आ रहा है, बोलने में नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया ना, चलो, कलास का फिल्म में चल गई, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर मान लो पति के अंदर दिक्कत है, ये कुछ दिक्कतें हैं, बस वही शेयर करो, अलग अलग तरीके हैं जो इनको पसंद आएगा वो यूज कर सकते हैं ना, तो काफी टेक्निक्स हैं, अब इन कपल को कौन सा तरीका पसंद है, डॉक्टर इनके सामने मेन्यू कार्ड रख देगा, भाई ये तरीका कौन सा तरीका यूज करो, वो भाई चूज कर लो, ठीक है, तो इस प्रकार का है। तो यहां पर पति जो है उसके अंदर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो स्पर्म जो है ना उसके वो भाग नहीं पा रहे यार, रेस नहीं लगा पा रहे, ठीक है, अब रेस नहीं लगा पाएंगे तो अंडाणु तो कैसे पहुंचेंगे, तो क्या किया जाता है, पति का क्या लिया, शुक्राणु लिया और क्या किया, इंजेक्शन में भरा और फीमेल के अंडाणु तक पहुंचा दिया, तो कोई रेस की दिक्कत ही नहीं हुई, तो डायरेक्ट पहुंचा दिया, इसको कहते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया यहां पे। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथ ही स्त्री को वीर्यसेचित कर सकने में योग्य नहीं है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, अगर योग्य नहीं है, वीर्यसेचित नहीं कर सकते, तो उनके लिए अपन स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, अथवा जिसके स्कृत वीर्य शुक्राणु में संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, शुक्राणु की संख्या कम है, तो उनके लिए अपन शुक्राणु एक ही चाहिए, एक शुक्राणु लिया, अपन इंजेक्शन में मार दिया, ठीक है। ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ठीक है, तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्र को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, या तो मेल पार्टनर का कोई अपने स्पर्म ले लिया, फिर जो डोनर है उसका अपने विकी डोनर अपने समझ देखिए उसका अपने के लिए स्पर्म लिया और जो फीमेल है उसके अंदर अपन ट्रांसफर कर देंगे, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलो भाई, अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, इससे अंत गर्भाशय वीर्यसेचन IUI कहते हैं, ठीक बात है। चलो, ये क्या कहते हैं, गर्भाशय वीर्यसेचन कहते हैं IUI, ठीक है, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। चलो, यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, अब इनको मैं आपको मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा तो उनमें ये जो है इनको शॉर्ट नोट्स में आपको भेज दूंगा, तो ये सारा जो है आपको जो आपको इतना मुश्किल लग रहा है ना NCERT में, ये बहुत आसान करके भेज दूंगा, ताकि आपको पता रहेगी कौन सी टेक्निक के अंदर पति के अंदर कौन सी टेक्निक में खराबी होगी, तो कौन सा यूज करेंगे, फिर पत्नी के अंदर यूज होगा तो कौन सा करेंगे, तो मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अभी अपन NCERT रीड कर रहे हैं। यदि भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उचित परिशुद्धता पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। भाई, तरीके बहुत सारे, लेकिन इनको जब काम करेंगे तो बहुत सारी हैंडलिंग की अपन को देखनी पड़ेगी कि कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, हैंडलिंग करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और ये बहुत महंगी भी होते हैं ये प्रक्रिया, भाई ऐसे नहीं बहुत सस्ती होते हैं, महंगी भी होती है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए पूरे देश में फिलहाल जो सुविधाएं हैं जो है केवल कुछ शहरों में
कुछ शहरों में उपलब्ध हैं, स्पष्ट इनके लाभ केवल सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। सही बात है भाई, बहुत महंगे हो गए तो गरीब आदमी काम है इनको कर लेगा, काम में ले लेगा ना। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफी होते हैं। भाई लोग सोचते हैं भाई, लोगों के अलग अलग सोचेंगे, भाई ये तो आपका कोई डोनर का है तो भाई ये तो तेरा बच्चा थोड़े ना, तो किसी दूसरे आदमी का बच्चा है, ऐसी बातें भी सोचते हैं लोग ना, कोई अडॉप्ट करता है या फिर ये ऐसी बातें हैं। इनके लिए भी मतलब सोचते हैं कि भाई कोई दाता से अगर किसी ने शुक्राणु लिया तो ये तेरा बच्चा थोड़ा, कोई दाता ने अगर अंडाणु लिया तो ये तेरा बच्चा थोड़ा, ये दूसरे का बच्चा है, नकली बनाया है, ऐसी बातें भी सोचते हैं लोग ना। तो इसलिए कहते हैं धार्मिक, सामाजिक और ये घटक भी इसमें शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? संतान प्राप्ति है। सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे जो अपने टेक्निक पढ़ रहे हैं, इनके सारे क्या है भाई, संतान, सबको बच्चा चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और भारतवर्ष में अनेक क्या है, अनाथ बच्चे हैं, दीनहीन बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए ये वे जीवित नहीं रहेंगे। अगर उनकी देखभाल नहीं की जाए, अनाथ बच्चे, उनकी देखभाल कौन करेगा, तो वो जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा देश का कानून शिशु को कानून गोद लेने की इजाजत देता है, ठीक है, गोद लेने का मतलब अडॉप्ट करने का, ठीक है। और जो दंपति बच्चे को इच्छुक है, ठीक है, उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्व उत्तम उपाय है, ठीक है। तो अगर किसी को बच्चा चाहिए तो भैया तो ये टेक्निक यूज कर लो, या फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो, उसको माता पिता मिल जाएंगे, आपको बच्चा मिल जाएगा। यहां पर जो अपनी एनसीईआरटी खत्म होती है, ये चैप्टर मैंने समाप्त किया, अगले चैप्टर में मिलेंगे। समझ में आया या नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।